हेलो हेलो, मैं हमारे आवाज मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आपकी आवाज आवाज आ रही है मेरा। बोलिए। हाँ लेकिन, हाँ तिवारी जी, लेकिन हाँ गीता अभी बोल रही थी, गीता की आवाज नहीं सुन रही। मतलब हो सकता है दूसरे सेंटर पे भी ऐसा ही होगा। गीता मैम नहीं मैडम, बोलिए आपकी आवाज आ आवाज। रही है, आ रही है मैडम आपकी आवाज। ओके ओके, अभी ठीक है गीता मैम, बोलिए आप, आवाज आ रही है। हाँ रितेश मैडम को आवाज नहीं आ रही थी मेरी शायद। वो अब आ गई है शायद, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। इस वेबिनार को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे कहना चाहती हूँ कि इस वेबिनार के सह समन्वयक महाविद्यालय के डॉक्टर रितेश कुमार वर्मा जी, जो इस पूरे कार्यक्रम में हमारे तकनीकी रहे, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, तथा आयुर्वेद महाविद्यालय से ही डॉक्टर रोहित सिंह का भी स्वागत करती हूँ, तथा और दूर दराज से इस कार्यक्रम में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम की एक रूपरेखा आप सबको दे दी गई है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम किसी इंतजार न करते हुए प्रधान सर को इनवाइट करूंगी कि वो स्वागत भाषण दे, उसके पश्चात कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। सर सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट। हाँ अब बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हेलो बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। मैं डॉक्टर जेपी चौरसिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन, आप सभी का स्वागत करता है। मैं जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने बताया कि कोरोना महामारी की हम सब सेमिनार की जगह जो है आप वेबिनार ने ले ली है, और आप हमारे आग्रह पर आप लोग बड़े मेरे गुरु समान डॉक्टर कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्योंकि एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और आपके दोनों स्टूडेंट हमारे यहाँ डॉक्टर वेद प्रकाश जी, गीता जी, तमाम लोग आपके शिष्य के रूप में यहाँ हैं, और आपने अपना अमूल्य हमको सबको आज दिया है। मैं संस्था की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर निशा ओझा जी, जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में आप HOD हैं कौमार भर्ती के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में जो आज नियत किया गया था समय 12 से 2, इसमें माननीय मंत्री जी ने अपना उद्बोधन के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज मीटिंग होने से जैसे ही समय मिलेगा, सर ने बोला है कि मैं आपके समक्ष आऊंगा, जुड़ूंगा। ऐसे ही हमारे अग्रवाल जो आयुक्त हैं उनने भी आश्वासन दिया है। मैं आपको जो हमारे आज मध्य प्रदेश के और अन्य महाविद्यालय के हमारे सम्मानित शिक्षक वर्ग, प्रिंसिपल, सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप इस ज्ञान का लाभ लें, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट लिया है जो हम सब जानते हैं, साक्षात संहिता में इसका बृहद वर्णन है। स्वर्ण प्राशन आज उसकी उपयोगिता इस रूप में है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, व्याधि क्षमता का रोग बल बढ़ाती है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। तो मैं अपने गुरुओं से कहूंगा, अपने माननीय ऑनरेबल, हाँ आगे का संचालन मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, रितेश जी, रोहित जी, और तमाम हमारे साथ जो हमको सहयोग कर रहे हैं आज, डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे ग्वालियर से को कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि वो रास्ते में है, जुड़ेंगे हमारे बीच। मैं आगे का कार्यक्रम संचालन के लिए डॉक्टर गीता जी को इनवाइट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, इसका लाभ लीजिए, और आप थैंक यू सर, आपने चौरसिया सर को सुना, इसके पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं हमारे वक्ता तो बोलेंगे चाहती हूँ कि प्रतिस्पर्धात्मक दौर में हर माता पिता चाहता है कि उसके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, उसी के लिए इसलिए हमारा जो स्वर्ण प्राशन है आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन हो सकती है। इसी पर बहुत आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वानों का विचार मंथन हो सके, हम किसी निर्णय पहुंच सके, इसीलिए हमने प्रोटोकॉल फॉर प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस प्रोटोकॉल फॉर स्वर्ण प्राशन का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं डॉक्टर रितेश को आमंत्रित करती हूँ, वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, उसके पश्चात हमारे वक्ताओं की व्याख्यान प्रारंभ। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर रितेश आवाज आ रही मैडम? हाँ आप बोलिए, इंट्रोडक्शन वेबिनार का। ओके मैम, विद द काइंड परमिशन ऑफ द रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दिस नेशनल वेबिनार ऑन स्वर्ण प्राशन, myself Dr. Ritesh Sharma, assistant professor, department of Coimbatore, government Ayurved college Gwalior, would like to give a brief introduction and purpose of this webinar. We all know in these great times of corona pandemic, everybody is affected in some way or the other, including our children. The parents and caretakers are worried about the course outcome and possible way out of this situation. Although there are some obvious measures propagated by health sector to keep ourselves and our children safe during this time, immunity being one of the most promising measure among them. When we consider immunity in our traditional health system, it is considered near to Vyadhi Shamatva, described in our Ayurveda Samhita. And Swarna Prashan being one of the way to improve the Vyadhi Shamatva in our children becomes vital for them at this current scenario. In this modern era, every parent is concerned about the immunity, growth and development of their children. They are in constant search of any medicine or supplement or remedy which is easily available, palatable and free of adverse effect, which helps in overall development of their child. Now, Ayurveda efforts of safe, palatable and effective solution to the above needs in the form of Swarna Prashan. Lehana has been described as for the administration of various herbal drugs and their combination, ghee and preparations, or gold alone as an adjuvant for immunity building or supplementary feeds and for various other benefits for children. Acharya Kashyap has described the process of Swarna Prashan in the context of Lehan in Lehana, then Kashyap Samhita. In the process of Swarna Prashan, processed gold is given to the child, counting on the benefits of Swarna Prashan. Acharya Kashyap says that in children, it helps in improving the intellect, buddhi vardhan, physical strength, digestion and metabolism. It also improves immunity, fertility, complexion and also improves the lifespan of the child. Now, upon the expanding the benefits of Swarna Prashan, Acharya Kashyap has specifically mentioned that by feeding the gold for 1 month, the child becomes extremely intelligent and is not attacked by any diseases. And by using it for 6 months, the child is able to retain whatsoever he she hears. Kashyap Samhita ke Sutrasthan mein varnit Swarna Prashan sanskar madhu aur ghrat ke saath mishrit swarna bhasm dene ki ek anuthi vidhi hai, जो बच्चों को मुख्य द्वारा अन्य बुद्धिवर्धक हर्बल औषधियों के साथ मिलाकर दी जाती है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समग्र विकास को बढ़ाती है, बच्चे के समग्र विकास को बढ़ाती है। तो यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, उनमें सहन शक्ति का आधान करती है, शारीरिक और मानसिक विकास को करने वाली है। ऐसा बोल सकते हैं हम कि आयुर्वेद रूपी समुद्र का एक पवित्र और अनोखा मोती है। लेकिन बट इन करंट रिव्यू ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ स्वर्ण प्राशन ऑल ओवर इंडिया अमंग आयुर्वेदा पीडियाट्रिशियंस, इट इज फॉलोड इन वेरी वेरिड फॉर्म्स एंड इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। देर आर मेनी कंसर्न इन एडमिनिस्ट्रेटिंग स्वर्ण बिंदु प्राशन, टू नेम अ फ्यू, फॉर एग्जाम्पल वट मस्ट बी द डोज, ड्यूरेशन एंड द एडवर्स इफेक्ट इफ एनी फ्रॉम द स्वर्ण प्राशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्वर्ण प्राशन, वेदर स्वर्ण प्राशन बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बर्थ और आफ्टर 6 months ऑफ एज, वी आर कंसर्न अबाउट दिस ऑल्सो, whether we should follow the once in a month regime, that is Purushottam regime schedule, or daily for maximum benefits, what is the best preparation which is useful for Swarna Prashan and available in easily available in our markets so that we can give it to the child, in what ratio the honey and ghrat must be mixed for better absorption. All of these are a few concerns among practitioners which need to be addressed and answered. Now, keeping in mind all the above proofs, we being practicing this Swarna Prashan in our institutions in the last 4 to 5 years, we have decided to have expert view on the state of affairs in the form of webinar, which is going to be organized in few hours for the protocol of Swarna Prashan. In today's webinar, we have some of the most learned faculties from the premier Ayurveda institutes of our country. We have with us Dr. Kalpana Patel, madam, who is head of department at Department of Kumar Vidya at IPGT and RH Jamnagar. A warm welcome to you, ma'am.
मैडम इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग द सोनप्राशन इन इंडिया. टुडे शी विल बी एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस विद हर एक्सपर्टीज ऑन द यूसेज ऑफ सोनप्राशन फॉर चिल्ड्रन विद हर टॉपिक सोनप्राशन इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. द सेकंड एक्सपर्ट ऑफ द वेबिनार डॉक्टर यस मैम रोहित द सेक यस मैम एनीथिंग. हेलो रोहित प्रॉब्लम है क्या आपकी आवाज नहीं आ रही इधर आ रही थी आदि. हेलो यस हेलो आपको आ रही है आवाज मैम. हम आपको सुन नहीं पा रहे थे. कंक्लूड हो गया क्या? नहीं बस अभी दो मिनट लगेगा मैम. बोलिए बोलिए. The second expert of the webinar is Dr. Nisha Oja, ma'am. She is HOT at Department of Kumar Vatsa at NIA Jaipur, and I am fortunate enough to being her junior at NIA during my post graduation. A very warm welcome to you, ma'am. Also, she has established Swarnaprashan unit with her sincere efforts at the institute and continuously imparting her knowledge to her students regarding the practice of Swarnaprashan. Today, ma'am will explain the peculiarities of Swarnaprashan to us with her topic Rationality of Swarnaprashan in Children. After both of these scientific sessions, we will have question and answer session from all of our participants. If anybody has any query regarding Swarnaprashan, then please feel free to ask to our experts. They will be with us during the whole webinar. With all this information, I think we will all enrich ourselves with the knowledge which we will be getting in next 2 hours. With these words, I hand over the proceedings to Dr. Geeta ma'am for further advice. Thank you, one and all. Dr. Geeta ma'am, please continue. Thank you very much. अब ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर कल्पना पटेल मैडम और निशा ओझा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. मैडम लोगों के व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले मैं उनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. वैसे तो मैडम के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है, फिर भी एक औपचारिकता बस मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ ताकि सभी लोग अवगत हो सके मैडम की उपलब्धियाँ और कौमार विभाग के लिए किए गए उनके कार्य. कल्पना पटेल मैडम लगभग 35 वर्षों से टीचिंग एक्सपीरियंस में है, टीचिंग फील्ड में. मैडम 2006 से आज तक कौमार वृत्त विभाग की प्रमुख है. कल्पना मैडम के निर्देशन में 36 थीसिस की मैडम को गाइड रही है और 46 थीसिस में उन्होंने गाइड की भूमिका निभाई. उनके अंडर में पीएचडी थीसिस 5 को गाइड रही है और 10 थीसिस में गाइड रहे हैं. बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हुए हैं मैडम के अंडर में. 140 रेफरेंस जर्नल्स में उनके पब्लिकेशंस हुए हैं. मेन है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर थ्रू आयुर्वेदा बुकलेट इन गुजराती हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. रिसर्च प्रोजेक्ट भी हुए हैं बहुत सारे. इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्पाज्मा सिरप ऑन द ब्रोंकियल अस्थमा. इसके अलावा गैलेक्टोग ऑफ इफेक्ट ऑफ द प्रोमोलैक्स कैप्सूल्स एंड ग्रेन्यूल्स का भी कार्य हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बात करें तो मैडम ने लगभग सारे पदों को सुशोभित किया है. डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डीन ITGTRA, इंचार्ज डायरेक्टर, हेड ऑफ द काइसी किसर डिपार्टमेंट, रेक्टर फॉर गर्ल्स हॉस्टल ऑल्सो. नाउ मैडम इस समय 2006 से 20 तक कौमार वृत्त की प्रमुख बनी हुई है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने मैडम के निर्देशन में कौमार वृत्त विभाग में पीजी करी है. मैं अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका मिला और कल्पना मैडम को इतने वर्षों बाद फिर से सुन सकेंगी. इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि तालियां बजाकर मैडम का स्वागत करें. कल्पना मैडम प्लीज. कल्पना मैडम, मैडम आपको आवाज आ रही मैम? हेलो आवाज आ रही? हाँ मैम आ रही आपकी आवाज. May I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, all of you. Myself, Professor Kalpana Patel, Health Department in Kumar Department. So, respected Principal of College, Dr. Ved Prakash Ji, Dr. Geeta, Dr. Ritesh, and all who are involved in this program. So,
All participants of this webinar, I welcome all of you for this presentation. And also, I am very much thankful to authority and all dignitaries of the MP government and colleges to invite me and select me for this program and give the opportunity to deliver my this lecture in this webinar. So this is our building, Institute for Postgraduate Teaching and Research in Ayurveda at Jamnagar, who had passed out before this building, so they can observe. दो लोग ये बिल्डिंग देख सकते हैं कि छह मंजिले का ये बिल्डिंग हो गया है. माय टॉपिक गिवन बाय द अथॉरिटी सुवर्ण प्रसन्न इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. विजिबल ना गीता? गीता स्लाइड विजिबल? हेलो मैम, इट्स विजिबल. आप थोड़ा माइक थोड़ा पीछे रख लीजिए मैम, बहुत तेज वैसी इको आ रही है. ओके ओके ओके. हाँ अभी ठीक है थोड़ा. सो सुवर्ण प्रासन इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मींस सुवर्ण प्रासन अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो उसकी पास्ट में क्या, भूतकाल में क्या कंडीशन थी, अभी वर्तमान क्या स्थिति है और फ्यूचर में क्या उसकी स्थिति है. तो सभी लोग अभी जिसको पता नहीं उसको लगता है कि सुवर्ण प्रासन ये नया शुरू हुआ है, उसका प्रयोग अभी अभी उसका पॉपुलरिटी हुई है, अभी अभी उसकी जानकारी हो रही है. तो मैं सबको ये बताना जा रही हूँ कि सुवर्ण प्रासन सिंस ट्रेडिशनल सिंस वेद, जब से वेद की शुरुआत हुई, वेद सनातन सत्य है, उसी में से या तो हमारी सब संहिता में सुवर्ण का प्रयोग बताया हुआ है. तो सुवर्ण का प्रयोग क्यों बताया, क्योंकि प्रभावकारी है, व्याधिहर है, पुण्य है. सुवर्ण ऐसे उत्तम धातु माना गया है और वो सौम्यकर है, तो इसीलिए उसका देखिए तो जहाँ पे दिनचर्या हम देखेंगे तो दिनचर्या में जीवा निर्लेखन, तो जीवा निर्लेखन के लिए जो यंत्र बताया हुआ है वो यंत्र मेटल का होना चाहिए. मेटल में सुवर्ण को सबसे उत्तम माना हुआ है. यदि सुवर्ण पॉसिबल नहीं है तो फिर रजत का, सिल्वर का, और यदि सिल्वर नहीं है तो फिर ताम्र या तो कॉपर का होना चाहिए. तो उसी टाइम पे वो सुवर्ण का प्रयोग उसमें बताया कि जो जीवा निर्लेखन यंत्र है वो सुवर्ण का होना चाहिए, सुवर्ण मेटल सुवर्ण प्रयोग होना चाहिए. उसके बाद हम देखे कौमारभृत्य में, स्वश्रुत में जीवा निर्लेखन के लिए बताया हुआ है. कौमारभृत्य में देखे तो पुंसवन संस्कार, पुंसवन कर्म, जब भी पुंसवन कर्म पहले होता था, डिजायर प्रोजेनी, डिजायर चाइल्ड, डिजायर फिटस, और पर्टिकुलरली मेल चाइल्ड के लिए ज्यादा होता था, तो उसी टाइम पे पंच धातु का बताया हुआ है कि पंच धातु का स्टेच्यू बनाना है और पुरुषकार, उसमें मेल पर्सन का मेल जेनाइटल ऑर्गन होना चाहिए पर्टिकुलर, और उसी पंच धातु में मेन सुवर्ण था. तो ये सुवर्ण वाली पंच धातु को यूज करके, गरम करके उसको गो दूध में, दो गोक्षीर में डाल के उसको बनाते थे, और वही दूध प्रेग्नेंट लेडी गर्भिणी स्त्री को दिया जाता था. उसी पुंसवन संस्कार पुंसवन कर्मों में ये सुवर्ण का प्रयोग होता था. सुवर्ण वाटर फॉर बाथ, जब भी नवजात शिशु परिचर्या हम देखे तो नवजात शिशु परिचर्या में स्नान कर्म बताया हुआ है, तो स्नान कर्म में भी हेम तप्ते न वारी, मतलब सुवर्ण को गर्म करके पानी में डाल के उसी ल्यूकवॉर्म वाटर से नियोनेट को, बच्चे को स्नान करवाना चाहिए, तो उसी में भी सुवर्ण का प्रयोग बताया हुआ है. मधु सर्पी ऑन सुवर्ण शलाका, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी नियोनेटल एज, फर्स्ट जो लेयर देना है, और इन जात कर्म संस्कार जो मधु सर्पी का प्रयोग चरक संहिता में बताया हुआ है कि सून आफ्टर बर्थ देना है, और उसी में सुवर्ण शलाका जो मधु शिल्पी बनाते हैं उसी को सुवर्ण सलाका में लेके और उसको नियोनेट के टंग पर जेन्युइनली या तो धीरे से रख देना है, उसको चटाना चाहिए. तो उसी टाइम पे सुवर्ण सलाका का प्रयोग करने के बताया हुआ है. सुवर्ण फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, सुवर्ण कोई भी सुवर्ण की चीज हो, ऑर्नामेंटल हो या तो ऐसी कोई बड़ी चीज हो, वो पानी के मटके में या तो पीने का पानी के बर्तन में रख देना है कि जिसकी वजह से
वाटर की प्योरिटी होती रहती है और प्रमोशन ऑफ हेल्थ रहता है, हेल्दी पर्सन का हेल्थ प्रिवेंट होता रहता है। तो जो सुवर्ण का प्रयोग है पीने के पानी में डाल के भी वो पानी पीने के लिए भी निर्देश किया गया है। अब पंचकर्म में देखें तो बस्ती नेत्र, जब बस्ती नेत्र बनाने के लिए बात होती है तो बस्ती नेत्र भी मेटल का होता है, धातु का रहता है, तो उसी टाइम पे सुवर्ण का बस्ती नेत्र होगा तो वो उत्तम माना गया है। तो उसी सुवर्ण नेत्र बस्ती नेत्र को यूज करना चाहिए फॉर बस्ती कर्म। यदि गोल्ड अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी सुवर्ण का प्राइस देखेंगे तो 55,000 से ऊपर चला गया है, तो इतना कॉस्टली सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि सुवर्ण वाला नहीं होता है फिर रजत ले सकते हैं, रजत नहीं होता है ताम्र ले सकते हैं, या तो अदर मटेरियल का हम बना सकते हैं। तो बस्ती नेत्र में भी सुवर्ण का प्रयोग बताया हुआ है। कर्णवेदन संस्कार एंड ऑर्नामेंट, कर्णवेदन संस्कार में भी जब भी हम दैवकृत छिद्र में छेदन करते हैं, वेदन करते हैं, उसी टाइम पे बताया कि जो हम छेदन करते हैं वो सुवर्ण सलाका यूज करनी चाहिए। तो वो सुवर्ण सलाका से यूज करके जो ऑर्नामेंट पहनाते हैं वो ऑर्नामेंट भी सुवर्ण का होना चाहिए, क्योंकि तो सुवर्ण का एक प्रॉपर्टी से एक गुण है कि वो प्रभाव से काम करता है। तो उसी में भी सुवर्ण का प्रयोग बताया हुआ है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑल चिकित्सा में सुवर्ण योग। बहुत सारे सुवर्ण योग पहले भी अवेलेबल थे, अभी भी अवेलेबल है, और पहले भी उसका उपयोग करते थे, अभी भी उसका उपयोग करते रहते हैं और फ्यूचर में भी उसका उपयोग करते रहेंगे। तो वो जो सुवर्ण योग है बृहत्वाद चिंतामणि, जब से हम लोग पढ़ते थे सिंस 76 हम लोग ये सब सुवर्ण योग सुनते आए, उसका प्रयोग हमारे टीचर सीनियर्स लोग करते थे और अभी भी हम लोग कभी कभी करते हैं जब जरूरत होती है तभी। बृहत्वाद चिंतामणि रस में सुवर्ण का है, सुवर्ण वसन मालिनी, फिर कुमार कल्याण रस जो हम कौमावृत्य में मेन ड्रग मानते हैं, कौमावृत्य में हम यूज करते हैं रसोषधि, उसमें सुवर्ण है। वसंत कुसुमाकर रस, श्वास का चिंतामणि रस, सुत शेखर रस विद सुवर्ण, वाट गजांकुश रस, पूर्ण चंद्रोदय रस जिसमें सुवर्ण का यूज होता है, जय मंगल रस, योगेंद्र रस, वंगेश्वर रस ये दो बार हो गया है, और हेम गर्भ पोटली मेनली जो आया कि काक छिद्र करके उसी में उसको प्रयोग करना है। जब भी पर्सन मरण आसन होता है तो उसका तालू एंटीरियर फ्रंटल नली में प्रयोग करते हैं तो उसको वो सजीवन हो सकता है, उसका ऐसे बताया हुआ है। और परपटी, सुवर्ण परपटी में भी सुवर्ण का प्रयोग होता है, खरली रसायन बहुत सारे जिसमें सुवर्ण का प्रयोग होता रहता है, और सारस्वत रिष्ट उसी टाइम पे भी अभी भी अवेलेबल है कि विद सुवर्ण। वेरियस फॉर्म में सुवर्ण यूज होता है, जैसे कि किसी ने बताया कि सुवर्ण का वेरियस फॉर्म में यूज हो सकता है, और जो जो यूज होता है वो आइदर सुवर्ण भस्म होता है, सुवर्ण पत्र होता है, सुवर्ण परपटी होता है, और सुवर्ण रज होता है जिसको हम गोल्ड डस्ट मानते हैं, तो सुवर्ण रज होता है, तो इसी फॉर्म में उसका यूज होता रहता है। एक सुवर्ण लवण भी होता है जो उसका यूज भी हो सकता है। अब हम देखें तो काश्यप संहिता हमारा जो मेन ग्रंथ है, कौमावृत्त का टेक्स्ट बुक है, संहिता है जिसको हम आदर देते हैं मानते हैं, तो उसमें सुवर्ण प्राशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सबको पता है। तो वो श्लोक जो है विदृश्य कनकम शिशु सुवर्ण प्राशनम येतम मेधाग्नि वर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्ण्यम ग्रहापहम मासाद परम मेधावी व्याधि भी नच दृश्यते सर्वीर मासै श्रुतधर सुवर्ण प्राशनम। ये जो ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिव काश्यप संहिता में आचार्य काश्यप ने सुवर्ण प्राशन बताया हुआ है, और किसी भी संहिता में सुवर्ण प्राशन का वर्णन नहीं दिया है, काश्यप ने सिर्फ बताया हुआ है, और वो भी लेहाध्याय में है। काश्यप संहिता इनकम्प्लीट टेक्स्ट बुक है, 18 चैप्टर से शुरू होता है, और उसी में लेहाध्याय सुखम दुखम ही बालानाम दृश्यते लेहनाश्रय वहां से उसका शुरू होता है, किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, और इन बिटवीन सुवर्ण प्राशन का प्रयोग काश्यप ने बताया हुआ है। बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन पॉपुलैरिटी सब इसमें बताया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। सो नाउ प्रेजेंट एरा, पास्ट में
अक्षर संहिता कहाँ कहाँ सुवर्ण का यूज हो सकता था, कहाँ कहाँ यूज किया गया था और कैसे हम लोग ट्रेडिशनल और हमारी डे बाय डे रूटीन लाइफ में यूज करते थे। अभी प्रेजेंट एरा में सुवर्ण प्राशन या तो सुवर्ण का कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि वाई ये सुवर्ण प्राशन के बारे में क्यों जानना चाहिए, क्या जरूरी है, हाउ हमको कैसे करना चाहिए, क्यों इसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में लाते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं, तो उसको कैसे करना है वो प्रोसीजर भी उसकी जरूरी रहता है। हुम इसके स्टेक होल्डर्स बेनिफिशियल कौन कौन है वो भी हमको देखना चाहिए, वेन क्लासिकल वे से हमको कब उसका यूज करना है और वेयर कहाँ पे उसका यूज करना है, ये सब चीज हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अभी के एरा में वाई हाउ हुम वेन एंड वेयर। So, सबसे पहले मैं वाई का रिप्लाई देती हूँ कि वाई आप्तोपदेश प्रमाण शास्त्र में प्रमाण दिए गए आप्तोपदेश अनुमान उपमान प्रत्यक्ष, तो इसमें आप्तोपदेश प्रमाण है इसीलिए हमको उसका उपयोग या तो प्रयोग या तो उसको प्रैक्टिकली उसको करना चाहिए। दूसरा क्या क्या बेनिफिट उससे मिलता है, तो मेधा अग्नि बलवर्धन मेमोरी या तो ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन को अच्छी तरह डेवलप करता है। अग्नि जो सभी रोग का मूल है, रोगा सर्वेति मंदोदनौ, तो जो अग्नि माना है तो अग्नि के लिए हमको करना चाहिए। बलवर्धनम अभी बल की बहुत सारी बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है और COVID-19-20 में तो पूरा इम्यूनिटी व्याधि क्षमत्व व्याधि प्रतिरोध शक्ति उसी की बात हो रही है, तो बल विरोधी तो बल वर्धक है, तो व्याधि का बल का विरोध करता है और हमारी जनरल इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसीलिए सुवर्ण प्राशन का प्रयोग करना चाहिए। आयुष्यम लाइफ स्पान बढ़ाता है कि जिससे पर्टिकुलर पर्सन की या तो बच्चे की लाइफ स्पान बढ़ती रहती है। मंगलम जैसे मैंने बताया कि प्रभाव से काम करता है, सुवर्ण का आयुर्वेद में बहुत प्रभाव ऐसी चीज माने की बहुत सारे द्रव्य है बहुत सारे ड्रग्स है वो प्रभाव से काम करते हैं और मेनली दैव व्यापारी चिकित्सा जो बताई हुई है वो टोटली पूरी प्रभाव से काम करती रहती है, तो ये सुवर्ण है वो मंगलम या तो उसको ऑस्पिशियस माना गया है। पुण्यम सभी धर्म में पुण्य पाप ये सब की फिलोसॉफी रहती है, एक फिनोमेना रहता है तो पुण्यकारी भी रहता है, यदि किसी को दान करना है तो सुवर्ण का दान उत्तम माना गया है, तो इसी पुण्य जिससे हम पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे पास आ सकते हैं, इसीलिए सुवर्ण का ऑर्नामेंट भी पहनने के लिए बताया हुआ है। वृष्यम ऑफ्रोडियस उसकी इफेक्ट रहती है जिससे शुक्र धातु है वो प्रबल रहती है। और ग्रहा को हम वर्ण्यम सॉरी हमारा स्किन का लस्टर स्किन टेक्सचर और जो ब्राजक पित्त स्किन में रहता है वो ब्राजक पित्त की प्रॉपर्टी अच्छी बनाते हैं, स्किन लस्टर बनाता है और स्किन अच्छी होती है वर्ण्यम है। ग्रहा को हम सभी ग्रहों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो जो भी ऑर्गेनिज्म है अभी के एरा में सब आ रहे ऑर्गेनिज्म वायरल या बैक्टीरिया जो भी है उसी को दूर करते या उसी को नष्ट करते रहते हैं। So, यदि हम उसका 1 महीने प्रयोग करेंगे 1 महीने तक कंटिन्यू प्रयोग करेंगे तो परम मेधावी होता है। व्याधि बीज न च दृश्यते कोई भी व्याधि की उत्पत्ति नहीं होती है, ये शास्त्रकारों ने आचार्य पार्षद ने बताया हुआ है कि यदि सुवर्ण प्राशन का होगा तो भी कोई भी व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी, पर्टिकुलर व्याधि के लिए नहीं लेकिन जनरल इम्यूनिटी के लिए बताया हुआ है। हम देखें तो शरीर वृद्धि कर भाव है उसमें आहार सौष्ठवम कालयोग स्वभाव संसिधि और अविघात, अविघात मेन फैक्टर है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, तो यहाँ पे सुवर्ण प्राशन व्याधि दृश्यते कोई भी व्याधि की उत्पत्ति न होना अविघात होना इसके लिए बहुत जरूरी फैक्टर होता है कि जैसे व्याधि नहीं होगा तो शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह होता है ठीक से होता है। और 6 महीने का प्रयोग करते हैं हम कंटिन्यू 6 महीने तक रखते हैं तो श्रुत दर होता है उसकी एक्सलेंट मेमोरी बनती है कि जिसकी वजह से एक बार वो लिसन करता है और उसको पूरा मेमोरी में रहता है। हुम अब किसको देना चाहिए, हु आर दी स्टेक होल्डर्स फॉर दी सुवर्ण प्राशन, ले हरेत कनकम शिशुम रेफरेंस में ही आता है कि ये जो कनकम है जो हम सुवर्ण प्राशन बनाते हैं गिवन टू चाइल्ड फॉर लेकिंग बच्चे को देना है तो ले कनक शिशु को ही देना है। वेन कब देना है,
1 month जैसे प्रीवियस स्लाइड में बता दिया तो 1 month भी परम वेदा भी हमको बेनिफिट लेना है तो 1 month कंटिन्यू रखना है। व्याधि बीच से नचे दृश्यते तो यदि कोई भी व्याधि की उत्पत्ति न हो इसीलिए हमको सुवर्ण प्राशन करना है तो हमको 1 month करना पड़ेगा। और 6 month श्रुतदर बेनिफिट लेना है तो हमको 6 month तक सुवर्ण प्राशन का प्रयोग करना चाहिए। वेन करना है तो मतलब डेली सुबह के समय करना बहुत ही जरूरी होता है और बिफोर फीडिंग, क्योंकि औषध काल बताए हुए है और आयुर्वेद मेडिसिन जनरली प्राप्त वक्त लेते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली औषधि जो होती है प्राप्त वक्त या तो शिशु में बिफोर फीडिंग दिया हो तो उसका अच्छा बेनिफिट रहता है। हाउ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो क्लासिक्स में जो सुवर्ण प्राशन बताया हुआ वो क्लासिकल वे से है तो अभी मैं क्लासिकल वे से बता रही हूँ कि कैसे सुवर्ण प्राशन करना है, कैसे बनाना है। विदृश्य, विदृश्य का मीनिंग है रबिंग। ज्योति दृष्टि मीन्स वॉश्ड स्टोन, जो धोया हुआ पत्थर है उसी को लेना है, उसी पर सुवर्ण को रबिंग करना है। प्राममुखी फेस टॉवर्ड ईस्ट साइड, मदर या तो कोई भी फैमिली मेंबर है या तो एक्सपीरियंस ओल्ड लेडी है, जो भी घर परिवार के सदस्य है या तो जो भी कौमा वृत्तिर्ण है वो प्रयोग करते हैं तो उसका फेस टॉवर्ड दी ईस्ट, ईस्ट साइड में फेस उनका होना चाहिए। लघु नाम बुना मीन्स क्लासिक्स में कितना पानी लेना है वो भी बताया है कि क्वांटिटी लघुना, नॉट ही लिटल क्वांटिटी लेना है सुवर्ण को घिसने के लिए, बहुत ही लिटल क्वांटिटी में लेना है। आमथ्य मधु सर्पिभ्य, वो स्टोन पर धोए हुए स्टोन पर सुवर्ण को घिसने के बाद आमथ्य मधु सर्पिभ्य ट्राइचुरेट विथ हनी एंड घी, जो हमने पानी में घिसा हुआ सुवर्ण है उसको मधु और घी उसमें उसको मिक्स करना है, आमथ्य करना है, हमको चर्निंग करना है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जो सुवर्ण का पानी हमने घिस के बनाए वो अच्छी तरह उसमें एसिमिलेट हो जाए, उसमें सम्मिश्रण हो जाए, तब तक उसको अच्छी तरह आमथ्य मंथन करना है, चर्निंग करना है। ले गए कनकम शिशु, और इसी बनाए हुआ सुवर्ण पासन, इसी बनाए हुआ ले को हमको बच्चे को या शिशु को लेहन के लिए देना है। वेर, अब सुवर्ण प्राशन कहाँ पे देना है तो सुवर्ण प्राशन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल पर्सन, एंड मतलब ये बहुत ही स्किल की जरूरत होती है सुवर्ण प्राशन करने के लिए, आगे भी बताऊंगी क्या क्या जरूरी चीज होती है, तो स्किल पर्सन होना चाहिए और एट कोमा वृत्त डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद हॉस्पिटल, आइदर आईपीडी में या तो ओपीडी में या तो कोमा वृत्त डिपार्टमेंट में, और कोमा वृत्त अभिन जो कौमार वृत्ति के स्पेशलिस्ट है, निष्णात है, या तो उसी को सुवर्ण प्राशन करना चाहिए। अभी सुवर्ण प्राशन जो है वो लेहाध्याय में बताया हुआ है, लेहाध्याय की शुरुआत जो होती है वो वहां से इंडिकेशन से होती है किसको लेहन करना चाहिए किसको लेहन नहीं करना चाहिए, और सुवर्ण प्राशन में बहुत सारा कंफ्यूजन लेहन के बारे में भी है तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि लेहन की इंडिकेशन क्या है, ऑटोमेटिकली बाद में क्लियर हो जाएगा सुवर्ण प्राशन क्या है और लेहन क्या है। तो अभी लेहन किसको देना चाहिए तो क्लासिक्स में आयुर्वेद काश्यप संहिता में बताया हुआ है कि अक्षया, जो मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता हो, नो ब्रेस्ट मिल्क मतलब स्तन्य की उत्पत्ति न हो या तो स्तन्य नहीं आता हो, उसी को लेहन करना चाहिए। अल्पक्षया, जो ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी कम होती है उसी को लेहन करवाना चाहिए। दुष्ट क्षीरा, जो मदर का स्तन्य है विशिएटेड है उसी को, दुष्ट प्रजा का डिफिकल्ट लेबर, जिसको डिफिकल्टी हुई हुई है उसी को लेहन देना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्टी जैसे कि अभी के एरा में देखे तो सीजरन होता है तो आफ्टर नॉर्मल लेबर विद इन 1 आवर मदर ऑलराइट हो जाती है, अपने नियोनेट को बच्चे को नवजात शिशु को तुरंत फीडिंग करवा सकती है, लेकिन इन सीजेरियन या तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन होता है तो मदर भी स्वस्थ नहीं रहती है, प्रसूता स्त्री स्वस्थ नहीं रहती तो बच्चे को केयर नहीं कर सकती, बच्चे को फीडिंग नहीं करवा सकती, इसीलिए क्लासिक्स में दुष्ट प्रजा का को लेहन करने के लिए बताया हुआ है। विषु व्याधि, जो मदर को बहुत प्रकार की व्याधि है या तो सीवियर डिसीज है जिसकी वजह से मदर फीडिंग नहीं करवा सकती, ऐसे को लेहन देना चाहिए। वातिक पैतिक,
बच्चे की प्रकृति इधर वाती पैटी गए या तो दोष इंक्रीज है वायु और पित्त, उनको लेखन करवाना चाहिए। स्तन्येन येन पृष्यन्ति पित्वा पित्वा रुदन्ति च, मतलब शिशु स्तनपान करने के बाद उसको सेटाइटी नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, थोड़ी देर स्तनपान किया फिर बाद में तुरंत ही उसको हंगर फील होती है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली वातिक स्तन्य दृष्टि रहती है और जिसमें बच्चे को शिशु को सेटाइटी नहीं होती है और तुरंत ही बच्चा हंगरी हंगर पे फील करता है और तुरंत रोना शुरू कर देता है। पित्वा पित्वा रुदन्ति च, मतलब स्तनपान करने के बाद तुरंत ही वो रोना शुरू कर देते, इसी में लेहन करना चाहिए। मीन्स अभी हमको समझ में आना चाहिए कि लेहन है वो सप्लीमेंट्री फूड है, लेहन है वो हम स्तन्यपान के अभाव में दे सकते हैं या तो उसको सपोर्टिव देना चाहिए, ये शास्त्र में काश्यप की एम है। निशि अनिद्रा, बच्चा रात को सोता नहीं है उसी को लेहन देना चाहिए। अभी के समय में यदि ओपीडी में भी आप लोग भी एक्सपीरियंस तो करते होंगे कि जब मदर फिर आती है तो बोलते हैं अप टू 3 मंथ्स ऑफ बच्चा कि बच्चा सोता नहीं है, फिर हम क्लैरिफाई करते हैं कि कब नहीं सोता है, तो बोले रात को नहीं सोता है या तो दिन में सो लेता है, तो यदि दिन में सो लेता है तो उसकी नींद पूरी हो जाती है ऐसे समझते हैं, लेकिन यदि उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो रात में नहीं सोता है दिन में भी वो नहीं सोता है, तो उसी टाइम पे उसको देना चाहिए लेहन। और फिर भी ऐसे कौमार बुद्धिक ना हमको पता चलता है कि बच्चे की नींद दिन में भी नहीं है रात में भी नहीं है, तो क्योंकि पहले के टाइम में रात सोने के लिए रहती थी और अभी पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो अभी के जो नियोनेट है वो हमको अप एंड डाउन एक्सपीरियंस होता रहता है, दिन में सोता है रात को जगता है, तो यदि हमको एज ए कौमार बुद्धिक ना हमको देख लेना है कि उसकी सफिशियंट नींद होती है कि नहीं होती। फिर निशि अनिद्रा, रात को नहीं सोता है उसको लेहन देना चाहिए, क्योंकि लेहन जो है वो प्राकृत कफ है, प्राकृत श्लेष्मा है और प्राकृत श्लेष्मा है वो बलकर होता है और अच्छी नींद लाता है और नींद के लिए प्राकृत कफ होना जरूरी होता है। महासन, जिसका अग्नि अच्छा है, जो बच्चा है वो ज्यादा फीडिंग करता है स्तन्यपान ज्यादा लेता है उसी को लेहन करना चाहिए। अल्पमूत्र, जिसको यूरिन क्वांटिटी कम आती है या तो फ्रीक्वेंसी कम होती है उसी को लेहन करना चाहिए। अल्प पुरुष कम होता है, स्टूल पासिंग कम होता है उसी को लेहन करना चाहिए। दीप्ताग्नि, जैसे कि बेनिफिट बताया कि सोलह प्राशन करने से अग्नि अच्छा होता है, तो जिसका अग्नि अच्छा है उसी को लेहन देना चाहिए, क्योंकि लेहन के लिए डाइजेशन जरूरी होता है, तो जिसकी अग्नि अच्छी है उसी को लेहन कर्म करना चाहिए। निरामय, बच्चा कंप्लीटली हेल्दी होना चाहिए, ये रेफरेंस में बताया हुआ है कि हेल्दी कंडीशन में हमको लेहन करना चाहिए। उसके आगे फिर फर्दर बताया हुआ तनु मृदु अंग, जो शिशु है इमिशिएटेड है डेलिकेट बॉडी जिसका है उसी को करना चाहिए। कर्षित, एमिशिएशन अथवा कार्सी बॉडी है उसी को, वेट अंडरवेट चाइल्ड है जिसका संवहन ठीक नहीं है सार ठीक नहीं है उसी को करना चाहिए। न वर्च कर्म मीन्स की त्रहात परम, 3 दिन तक स्टूल पास नहीं किया है तो उसी को स्नेहन कर्म करना चाहिए। अब उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में लेहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहनाश्रय, लेहन ही उस आधार है, लेहन ही रूट ऑफ हेल्दी अनहेल्दी हैप्पी अनहैप्पी चाइल्ड का है। मंदाग्नि, मंदाग्नि में लेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदाग्नि होता है तो रस रक्त मांस आदि धातु का उत्तरोत्तर धातु का फॉर्मेशन नहीं होता है, यदि रस धातु का ही ठीक से डाइजेशन नहीं होता है तो आम्लस की उत्पत्ति होती है और जो हम मेडिसिन देते हैं या तो जो हम डाइट फूड देते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता है और अच्छी तरह उसका डाइजेशन नहीं रहता। निद्रालु बच्चा जो होता है उसमें तमस गुण ज्यादा होता है, विशिएटेड कफ ज्यादा रहता है, इसीलिए यदि हम लेहन देंगे तो फिर से उसका वो कफ है बढ़ेगा और व्याधि बढ़ने का चांस रहता है, इसीलिए निद्रालु में नहीं देना चाहिए। बहुविन मूत्रदान, जैसे वहां पे अल्प मूत्र यूरिन बताया यहाँ पे बहुविन मूत्र बताया कि एक्सेसिव यूरिन एंड स्टूल पासिंग करता है उसी को लेहन नहीं देना चाहिए। स्वल्प को स्वल्प दृढ़ गात्र कम, जिसका बॉडी स्मॉल है लेकिन बॉडी स्टाउट है, जो हम स्टफनेस बोलते हैं स्टाउटनेस बोलते हैं, जिसका सार संवहन अच्छा है उसी को लेहन नहीं देना चाहिए, जिसका वेट ठीक है उसी को लेहन नहीं देना चाहिए। कल्याण मातृ कम एलाई मदर,
इसी को लोहन नहीं देना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बड़ा क्लासिफिकेशन करना चाहती हूँ कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक में लिखा है कल्याण मदर मतलब मदर नॉट एलाय, लेकिन हम लोग इंडिकेशन में जाएंगे तो वहां लिखा है कि अक्षीरा अल्पक्षीरा दुष्प्रजाता, तो वहां पे उसकी इंडिकेशन बताई हुई कि जो मदर को क्षीर नहीं आता है, कम क्षीर आता है, या तो मदर एबल नहीं फीडिंग के लिए, तो यहाँ पे यदि हम जिसकी मदर मृत है या तो मदर लाइव नहीं, उसी को लेहन कॉन्ट्राइंडिकेशन में लेंगे, उसको मानेंगे कि उसको लेहन नहीं देना है, वो प्रॉपर वे नहीं होगा। और आप लोग संस्कृत इनटू इंग्लिश या तो डिक्शनरी में जाएंगे तो कल्याण का अर्थ है वेल्थ बताया हुआ है, कल्याण का अर्थ हैप्पीनेस बताया हुआ है, तो कल्याण का अर्थ है वो लाइविलिटी बताया हुआ है। लेकिन मेदिनी में जो बताए कल्याण अक्षय मार्ग स्वर्ग, तो उसी के आधार पर मेदिनी के आधार पर बहुत सारे लोगों ने मतलब मदर नॉट एलाय बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे पूरा यदि क्लासिक्स का ट्रांसलेशन देखेंगे और इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हमको बहुत सारी जगह पे एज पर कॉन्टेक्स्ट एज पर सिचुएशन एज पर कंडीशन लेना पड़ता है। एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है तो कहाँ पे किसका क्या मीनिंग लेना है इसी पर आधार रहता है। तो यहाँ कल्याण मीन्स वेल्थ, कल्याण मीन्स हैप्पीनेस, मातृका मीन्स मदर, जिसकी मदर लाइव है, जिसकी मदर हेल्दी है, जिसकी मदर हैप्पी है और जिसकी मदर अच्छी तरह फीडिंग करवा सकती है, उसी को लेहन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया, क्योंकि लेहन एज ए सप्लीमेंट्री फूड है। तो यदि हम उसी मदर को लेहन की जरूरत नहीं होती है तो ऐसे बच्चे को जो मदर अच्छी तरह फीडिंग करवा रही है उसका न्यूट्रिशन अच्छा होता है, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कल्याण मदर से लाइव मदर या तो जिसकी मदर अच्छी तरह फीडिंग करवा सकती है, बच्चे को शिशु को सैटिस्फाइटी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, कोई स्तन्य दोष नहीं है, क्वांटिटी क्वालिटी सफिशिएंट है, ऐसे मदर को माना हुआ कि कल्याण मदर। अजीर्ण मिस इनडाइजेशन हो उसमें लेहन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लेहन करवाने से उसका ठीक से डाइजेशन नहीं होता है, आमोत्पत्ति होती है और फिर बाद में फर्दर विकार की उत्पत्ति होती है। गुरुस्तन्य जैसे कि कफ दूषित विशेषण ड्यू टू कफ दोषा, उसी को क्योंकि गुरु स्तन्य डाइजेशन में ज्यादा टाइम लेता है, यदि फिर लेहन करवाएंगे तो फिर और डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आमोत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्व रसासिना, देखिए फिर से जहां पे हमने हम लोग दिनचर्या में या तो आयुर्वेद के स्वस्थ रूप में जाएंगे तो जहां पे चरक ने बताया सर्व रसा व्यासो आरोग्य कराणाम, मीन्स जो सभी रसों का सेवन करते मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय सभी रस का सेवन करते वो आरोग्य करे, वो हेल्दी बना रहता है, वो स्वस्थ वृत्त की निशानी बताई हुई है। तो यहाँ पे फिर से बताया सर्व रसासिना मीन्स कि जो बच्चा है सभी रस का सेवन करते तो उसमें कोई दोष प्राबल्य नहीं होगा, कोई दोष की विकृति नहीं होगी, तो ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, तो उसी में लेहन नहीं करवाना चाहिए, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया। ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, ऊर्ध्व जत्रुगत रोग में इसलिए नहीं करवाना चाहिए कि हेड में प्राबल्य कफ प्रधान रहता है, कफ दोष रहता है, तो यदि उसी में लेहन करेंगे तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, कफ की वृद्धि होगी और लेहन कर्म जो होता है मधु ब्रूथ एंड शर्करा के साथ रहता है तो ये प्रॉबेबली कफ की वृद्धि करता है, इसीलिए ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है उसमें हमको लेहन नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट आम, सभी को आयुर्वेद के सब लोग को समझ में आ जाएगा, अग्नि है आम है वो मैक्सिमम डेली वर्ड यूज होता है, आम से तुरंत पता चल जाता है कि वो क्या शास्त्र में कहना चाहते हैं। तो आम जिसको होता है जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसको आम रोग है, जिसकी कुछ भी तकलीफ ड्यू टू अग्नि है, उसी को लेहन नहीं करवाना चाहिए। ज्वर जिसको फीवर है मेनली ज्वर जो माना है आम की वजह से माना हुआ है तो इसीलिए उसमें नहीं करवाना चाहिए। अतिसार, अतिसार भी ड्यू टू आम माना है अग्नि मंदाग्नि की वजह से अतिसार होता है और यदि हम उसमें लेहन करवाएंगे तो जो भी ड्रग है वो स्टूल में पास हो जाएगा तो जो स्टेक होल्डर है जो बेनिफिशियल है उसको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, इसलिए उसी में भी लेहन नहीं करवाना चाहिए। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं जो जो डिसीज बताया कि जैसे कामला है, सोथ है, पांडु है, रुद्रोग है, श्वास है, कास है, ऐसे ऐसे रोगों में भी लेहन नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इसमें लेहन का कोई बेनिफिट नहीं रहता है। काश्यप ने जो बताया वो क्या बेनिफिट मेधा अग्नि बल वर्धनम परम मेधावी व्याधि भी नश्य दृश्य दे, क्योंकि ऑलरेडी वादी है
यदि हम व्याधि में दहन करवाएंगे तो ऑलरेडी वहां पे व्याधि है, तो व्याधि दृश्य दे वो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, और जो हम देते हैं उसी का भी प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए उसको नहीं देना चाहिए। गुदा वस्ती उदर अवयव, जिस बच्चे में रेक्टम ब्लेडर एब्डोमिनल डिसीज है उसी में दहन नहीं करवाना चाहिए। आना आना में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उसी में दहन नहीं करो, क्योंकि आना में मंदाग्री रहता ही है। गंड, जो गंड एनवायरमेंट ऑफ थायराइड लिम्फ ग्लैंड मेनली वो कफ दूषित होता है, कफ दोष माना हुआ है मेनली, तो उसी में दहन नहीं देना है। विसर एरिसिपेलस उसमें भी नहीं, क्योंकि इनडाइजेशन रहता है और प्रोबेबली कफ एंड पित्त का रहता है। छर्दी वॉमिटिंग में लेहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग का एक ट्रेंड रहता है कि कुछ भी मुंह में डालते हैं तो तुरंत उसका वॉमिटेड आउट हो जाता है, तो इसीलिए उसमें भी उसको लेहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लेहन देंगे तुरंत ही वो पास आउट हो जाता है। तो हम जो स्टेक होल्डर है बेनिफिशियल है उसको लेहन का कोई बेनिफिट नहीं रहता, इसलिए उसमें छर्दी में वॉमिटिंग में लेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरोचक, अरोचक मेनली विकृत कब्ज से होता है और इनडाइजेशन की वजह से होता है, मंदाग्री की वजह से होता है, इसीलिए उसमें भी हमको लेहन नहीं करवाना चाहिए। सर्वग्रह रोग ग्रहा कहा बताया हुआ है, लेकिन जब ग्रह रोग होता है तो उसी में लेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलसक, अलसक में मेनली अलसक जो होता है वो इनएक्टिव बॉडी रहता है, आम दोष की वजह से होता है, तो उसी में भी लेहन नहीं करना चाहिए। नो अहनी, अहनी मतलब डेली भी लेहन का प्रयोग नहीं करवा जाए, क्योंकि वो उसके लिए अग्नि दीप्ताग्नि होना चाहिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए, पावरफुल डाइजेशन होना चाहिए। यदि अग्नि ठीक नहीं है और डेली करवाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, इससे उसका बेनिफिशियल नहीं रहेगा, रस रक्त आदि धातु फॉर्म नहीं होगी। न असित, देखिए ये जो बताए आफ्टर फूड लेहन नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली सभी एक ट्रेडिशन भी है और पब्लिक में एक बिलीफ भी है कि आयुर्वेद मेडिसिन है वो बिफोर फूड ही लेनी चाहिए और सुबह ही लेनी चाहिए, नील ओरली नील बाय माउथ ऐसे ही लेना चाहिए, कि जिसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है, बॉडी में उसका सफिशियंट इफेक्ट होता है। तो ना सिर्फ खाने के बाद या तो आफ्टर फूड आफ्टर मील लेहन नहीं करवाना चाहिए। दूरदिन क्लाउडी रेनी एक्सेट्रा जो होता है उसी दिन में लेहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसी दिन में अग्नि ठीक नहीं रहता है तो उसको, और उसको अनऑस्पिशियस डे भी माना हुआ है तो उसमें लेहन प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ववाद ईस्ट साइड से या तो स्ट्रॉन्ग विंड है उसी टाइम पे लेहन का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। न सातव्या, एक बार लेहन दिया और उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको लेहन प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। नाती मात्रा, बच्चों का केस है कोमा धुते है तो हमको डोज की बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, डोज कम से कम हो या तो उसके प्रॉपर एज हो या तो ज्यादा मात्रा ना हो, उसी का हम ऑल डिसीज में ख्याल तो रखते हैं, लेकिन लेहन के बारे में पर्टिकुलर बताया होगी न अति मात्रा, ज्यादा उसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। अब लेहन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन खत्म होने के बाद लेहन अध्याय में भी जो लेहन का प्रयोग कौन से ड्रग को लेहन के लिए यूज कर सकते हैं उसको बताया हुआ है। तो मेनली उसमें संवर्धन ग्रुत आता है, ब्राह्मी ग्रुत आता है, अभय ग्रुत आता है, कल्याण ग्रुत आता है, पंचगव्य ग्रुत आता है, और बहुत सारे चरक संहिता में सुश्रुत संहिता में और बहुत जगह पे बहुत सारे द्रव्य बताए हुए हैं कि जो ग्रोहण है बल्य है मेध्य है और जीवनी है उसी का लेहन में प्रयोग करना चाहिए। और जैसे कि आयुर्वेद में बताया कि तृतीयिनी चतुर्थे वा स्त्रीणाम संयम प्रवर्तते, मतलब तीसरे दिन या तो चौथे दिन संयम की प्रवृत्ति होती है, संयम का प्रवर्तन होता है। तो यदि फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे बच्चे को न्यूट्रिशन के रूप में देना है तो उसी टाइम पे भी लेहन का प्रयोग करना चाहिए, उसमें बहुत सारी औषधि जैसे लक्ष्मण है अनंता है उसी का प्रयोग करने के लिए शास्त्र में बताया हुआ है। तो वहां पे ये जो द्रव्य है उसी का एज ए लेहन प्रयोग करना चाहिए और उसके साथ मधु और सर्पी में मिक्स करके लेहन को देना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अब प्रेजेंट एरा में क्या क्या हुआ है। मैक्सिमम वर्क ऑन सुवर्ण प्राशन जो है वो जामनगर में हुआ है, तो मैं उसका पास्ट में थोड़ा प्रीवियस वर्क कौन सा हुआ है ये आप लोगों को हाईलाइट करना चाहती हूँ, बताने नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ जो जो रिसर्च वर्क यहाँ पे हुआ है। वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में MD थीसिस 5 हो गए, PhD थीसिस 2 हुए हैं,
डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एंड वैश्विक कल्पना एट आईपीजीटी एंड आरए में एक वर्क हुआ है और ये कौमार द्वितीय डिपार्टमेंट में अभी एक वर्क ऑन गोइंग है, मतलब उनका सिनोप्सिस सबमिट हुआ है। ये उसका डिटेलिंग है कि सुवर्ण प्राशन का प्रयोग या तो मधुसर्ती का प्रयोग, उसका सीन कहाँ से शुरू हुआ था। सब लोग हमारे आदरणीय सीएचएस शास्त्री साहब को जानते हैं, हमारे आदरणीय गुरु है, मेरे गाइड भी थी, गाइड भी थे और मैंने उनके अंडर में एमडी किया हुआ है और बहुत सारा नॉलेज भी उनकी वजह से, उनकी कृपा से हुआ है। तो 1981 में सर यहाँ पे 1979 में आए और 1981 में उन्होंने एक थीसिस करवाया डॉक्टर एम एस कामत। तो उन्होंने जो थीसिस रिस्पॉन्स ऑफ मधु एंड ग्रुप इन न्यूबॉर्न, उसी टाइम पे 81 में मधु सर्पी, उसमें उन्होंने रिसर्च वर्क करवाया था और ओनली और सिंगल ग्रुप था और उसी में मधु सर्पी में उन्होंने प्रयोग करवाया था। उसका उसी टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना रिसर्च एडवांसमेंट नहीं था, तो इन्वेस्टिगेशन वो सब नहीं हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया उसी में बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिला हुआ है। उसके बाद बहुत सारा बड़ा गैप आया 2018 में, अमृता गायकवाड़ उन्होंने रिसर्च किया है एक कंपेरेटिव फार्मेको क्लिनिकल स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मधु ग्रुत स्वयंवचा मधु ग्रुत ऑन नियोनेस। फिर बाद में 2016 में दूसरा वर्क हुआ स्वर्ण प्राशन का हुआ इन एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्टिविटी इन नियोनेस। यहाँ पे जो हमने काम किया है वो नियोनेट्स पे किया हुआ है फ्रॉम बर्थ टू वन मंथ और पीएचडी वर्क जो किया है वो शीरा पवसा में अप टू वन ईयर। फिर उसके बाद 2019 में डोजुंग गोजे का हुआ है एफिकसी ऑफ स्वर्ण प्राशन एंड मधुग्रुत प्राशन इन नियोनेट्स रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल। 2020 में अभी रिसेंटली जो कंप्लीट वर्क हुआ और उसी का वर्क का मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगी उसी को, एफिकसी ऑफ स्वर्ण प्राशन एंड मधुग्रुत प्राशन इन अचीविंग द माइलस्टोन इन नियोनेट्स ओपन लेबल रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल जो हुआ है अभी रिसेंटली किया हुआ है। 2013 में रस शास्त्र डिपार्टमेंट में सुवर्ण पे वर्क हुआ है, सुवर्ण प्राशन पे वर्क हुआ है, उसका सेफ्टी एंड इफिकेसी स्टडी हुआ है। तो वो उन्होंने सुवर्ण प्राशन ड्रॉप बनाया था, सुवर्ण भस्म और सुवर्ण लवण यूज किया था और उसी पर उसका ड्रॉप बना के उन्होंने सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टडी किया हुआ था। बहुत अच्छा रिजल्ट उसी ने दिया है और उसका आर्टिकल भी पब्लिश हो गया है। फिर पीएचडी वर्क देखे तो 2013 में डॉक्टर ज्योति केबी ने वो सुवर्ण प्राशन इन इन्फंट उसमें एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्टिविटीज पर वर्क किया हुआ है। और 2016 में सत्यवती राठियार जिन्होंने क्लिनिकल स्टडी टू एवलेट द रोल ऑफ स्वर्ण प्राशन विद वचा इन हेल्दी इन्फंट। तो ये तो पीएचडी वर्क हुआ है अप टू वन ईयर के लिए, बाकी सब जो हुआ है वो फ्रॉम बर्थ टू वन मंथ में हुआ है। और अभी एक वर्क ऑन गोइंग है जिसका सिनोप्सिस सबमिटेड हुआ है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल टू कंपेयर द एफिकेसी ऑफ स्वर्ण प्राशन एंड संवर्धन ग्रुप प्राशन इन हेल्दी नियोनेट। बहुत सारे लेहन पे बात हो रही है तो हमने ये सोचा कि सुवर्ण प्राशन के साथ हम लेहन को शुरू कर दे, तो जैसे संवर्धन ग्रुप लेहदिया में बताया तो इसी स्टडी में हमने संवर्धन ग्रुप को भी एड किया हुआ है क्योंकि सुवर्ण प्राशन हम मार्केट में जाएंगे बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा और बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन एनालिटिकल स्टडी माइक्रोबायल स्टडी वो सब एसेंशियल होता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमने एक नया स्टेप स्टार्ट किया कि संवर्धन ग्रुप का हम उसका प्रयोग करके देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट मिलता है, उसी पर रिसर्च भी हो जाए। जैसे मैंने बताया है कि इसी का रिसर्च आर्टिकल भी बहुत सारे पब्लिश हुए हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर में जोधपुर में एक प्रोटोकॉल स्वर्ण प्राशन वर्कशॉप हुआ था, उसी में उन्होंने कंपेंडियम भी पब्लिश किया हुआ है, उसी में बहुत सारे आर्टिकल मोर देन 21-22 आर्टिकल्स उन्होंने उसमें पब्लिश किया हुआ है और उसकी एक अच्छी सी बुक बनाई हुई स्वर्ण प्रोटोकॉल एंड ड्राफ्ट किया फॉर्मेट किया हुआ है। तो उसी में जो जो आर्टिकल दिया है वो पीयर रिव्यू रिप्यूटेड जर्नल में भी वो सब पब्लिश हो गया है। तो लिटरेचर पे 9 आर्टिकल है, फार्मास्यूटिकल स्टडीज पे 5 आर्टिकल्स है, क्लिनिकल स्टडीज पे 2 आर्टिकल है,
एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पे चार आर्टिकल है, सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी पे दो आर्टिकल हो गए. तो सुवर्णप्रसन्न पे एज ए एक्सपेरिमेंटल देखे, एक्सेक्रील पर देखे, फार्मास्यूटिकल देखे, बहुत सारे आर्टिकल हो गए. और सेफ्टी टॉक्सिसिटी फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी होने के बाद वो उसका अच्छा स्टैंडर्ड मालूम हुआ है. अब जो यहाँ पे जो वर्क हुआ है जो 2020 में अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, उसका थोड़ा ब्रीफ हम ईगल आईज व्यू देख लेते हैं कि इसमें फुल टर्म नियोनेट्स जो आईपीजीटीआरए में डिलीवर हुए सिरोप्रसूति डिपार्टमेंट में, उसी को ही कॉमोर्बिडिटी डिपार्टमेंट रजिस्टर करके हमने उनको लिया हुआ है. अब स्कॉलर ने उसके तीन ग्रुप बनाए हुए, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. ग्रुप ए में सुवर्ण भस्म जो जो उन्होंने प्रासन बताया मधु ग्रुप से वो लिया है. ग्रुप बी में मधु ग्रुप है और सी में कंट्रोल ग्रुप है, उसमें कुछ भी दिया नहीं है. और क्लर्क रूल से उसका कैलकुलेशन किया है डोज के लिए और जो रेफरेंस है कश्यप संहिता का, सूत्र स्थान का, सबको. अभी उसका स्टडी टाइप है इंटरवेंशनल है, कंप्यूटराइज जनरल सिंपल रेंडमाइज मेथड से रेंडमाइजेशन किया हुआ है. पर्पस जो हमारा है वो ऑब्जर्वेशन है, मास्किंग है, ओपन लेबल है, टाइमिंग प्रोस्पेक्टिव है, एंड पॉइंट एफिकेसी एंड सेफ्टी. और तीन ग्रुप बनाए हुए हैं और सैंपल साइज जो है 60 रखी हुई है, इन ईच ग्रुप 20 है. जो सुवर्ण का रस, वीर्य, विपाक, दोषग्रता, कर्म ये सब बताया हुआ है कि जिसका डिटेलिंग अभी जरूरी नहीं, सुवर्ण का, वो ग्रुप का और मधु का. सोर्सेस ऑफ ड्रग कहाँ से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुवर्ण प्राशन हम बनाने जाते हैं तो सुवर्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, सुवर्ण परचेस करते हैं, वहीं से हमको स्किल्ड या तो हमारी नॉलेज को ऑब्जर्व करना है, उसको एडॉप्ट करना है कि सुवर्ण भस्म बनाने के लिए सुवर्ण कहाँ से हम लोग लेते हैं. तो सुवर्ण भस्म ऑथेंटिकली प्रिपेयर इन दी रसशास्त्र एंड भैसर्जी कल्पना डिपार्टमेंट में जो आईपीजीटीआरए है वहां से बनाया हुआ है. घी जो परचेस हुआ है वो स्टैंडर्ड एक मार्क वाला है, ऑथेंटिकेट किया हुआ है. हनी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया हुआ है. एंड उसके बाद हमने 3 स्टेप फॉलो किए स्वर्ण पत्र निर्माण, क्योंकि जो गोल्ड हम परचेस करते हैं वो उसके लकड़ी फॉर्म में सॉलिड रहता है, तो उसका भस्म बनाने के लिए उसको पत्र निर्माण करना पड़ता है. स्वर्ण सामान्य शोधन एंड विशेष शोधन, सुवर्ण का जो शास्त्र में बताया है शोधन, दोनों शोधन सामान्य विशेष करना पड़ता है और उसके बाद सुवर्ण भस्म का निर्माण करना पड़ता है. ये उसकी प्रिपरेशन बताई हुई है, लेकिन टाइम की कमी देखते हुए मैं प्रिपरेशन में ज्यादा नहीं जाती हूँ. अभी सुवर्ण प्राशन जो पिक्चराइज है वो बता देती हूँ आप लोगों को कि जहां से सुवर्ण है वो उसके फॉर्म होता है, पीस को कट करते हैं, उसके बाद उसका शोधन कर्म करते हैं, शुरू कर देते हैं, एक पंचवृत्ति का उसे ऐड कर देते हैं, फिर उसको निम्बू स्वरस की भावना देते हैं, फिर उसको कोटिंग करते हैं, उसके बाद उसका चक्रिका फॉर्म होता है, कपट मिट्टी करते हैं, उसके बाद मफल फर्मेस में उसकी भस्म के लिए रख लेते हैं और ये जो होता है सुवर्ण भस्म प्राप्त होता है. और उसका सुवर्ण प्राशन योग जो सुवर्ण प्राशन जो बनाते हैं अकीक खरल होता है उसमें मिक्स करके उसको सुवर्ण बनाता है और उसको फिर बाद में फिनिश ड्रग जो होता है ये बोतल में फिल करते हैं. जैसे कि शास्त्र में बताया कि भस्म परीक्षण, तो यहाँ पे जो सुवर्ण भस्म बनाते हैं रस शास्त्र डिपार्टमेंट में बनाते हैं अंडर स्किल्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, तो सुवर्ण भस्म की निश्चंद्रत्वम, रेखा पूर्णत्वम, वर्टिकारकम, पिवारितारकम, निस्वादुतम, ये सब जो एग्जामिनेशन है, ये सब जो परीक्षण है सुवर्ण भस्म का, सभी परीक्षण वो ऑथोराइज पर्सन के अंडर में उसको परीक्षण करने के बाद ही उसका यूज करते हैं. अभी अकॉर्डिंग टू एज 0 to 28 days लिया हुआ है, तो उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. उसका डोज फॉर्मेशन बताए, ए में सुवर्ण प्राशन दिया हुआ है, बी में मधु ग्रुप दिया है, सी कंट्रोल ग्रुप है, तो कंट्रोल ग्रुप में कुछ देने की आवश्यकता नहीं, ओनली ऑब्जर्वेशन अप टू 1 month करते हैं. फॉर्म जो उसका होता है ड्रॉप फॉर्म है, 5 drops दोनों दिया हुआ है, मॉर्निंग टाइम पे दिया हुआ है, ओरल रूट है, 4 weeks है, फॉलो अप टू 8 weeks.
इसमें जो क्राइटेरिया हमने असेसमेंट क्राइटेरिया रखा है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंथ्रोपोमेट्रिक चेंजेस जो होता है, एंड माइलस्टोन रखा हुआ है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस इन न्यूबॉर्न. स्टिल हम लोग उससे पेशेंट के पेरेंट्स को या तो गार्डियन से कॉन्टेक्ट करते रहते, टेलीफोनिक व्यू लेते रहते कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम या तो दिक्कत हुई है कि नहीं होते. उसी पर से भी पेरेंट्स का ओपिनियन हमको पता चलता है, क्योंकि इसमें फॉलोअप ज्यादा जरूरी है और लॉन्ग टर्म उसका फॉलोअप लेना पड़ता है. एंड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स ऑफ न्यूबॉर्न और न्यूबॉर्न, तो ये इसके लिए हमने रखा हुआ. ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में चेंजेस ऑब्जर्व इम्यूनोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट. ये जो इम्प्रूवमेंट के वो स्केलिंग है उसी को रखा हुआ है कि ब्रेस्ट फ्री है तो कैसे रहता है, स्लीप कैसे होती है, डेली वेट गेनिंग कैसे होता है, पासिंग स्टूल कैसे होता है, यूरिन कैसा होता है, क्योंकि यदि स्टूल कम होता है, ज्यादा होता है, यूरिन कम ज्यादा होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. इरिटेटिंग एक्सेसिव क्राइम, और बच्चा ज्यादा रोता है, सीक लगता है, रिफ्यूज फॉर फीड है, ये सभी क्राइटेरिया को हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है. प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन है, जो सुवर्ण प्लाज्मा है कैसे काम करती है उसी का इसमें दिया हुआ है. फिर ग्रुथ है वो कैसे काम करता है, मधु कैसे काम करता है, तो मेनली बता देती हूँ. आयुष्य बल्य ब्रोहण ऊर्जावर्धन है, और मधु जो होता है वो योगवाही है और सूक्ष्म मार्ग अनुसारी है. ग्रुथ जो होता है वो तो है ही, सबको पता है, क्षीर ग्रुत अभ्यासो नित्य रसायन, वो श्रेष्ठ रसायन बताया हुआ है. ओजस कर है, बल वृद्धि कर, आयुष्य कर है, तो उसी के अनुसार जो इमल्सिफाइड मिक्सर है ऐसे ऐसे इम्प्रूव करता है. और मेनली युक्तिकृत बल है, उसकी ब्रोहण इफेक्ट होती है, आयन मेध्य इफेक्ट होती है. स्वर्ण प्रासन जो होता है, अभी इतने के बाद हम जो हमने डिस्कस किया उसका डिस्कशन पे आते हैं कि स्वर्ण प्रासन है यूनिक प्रैक्टिस ऑफ गोल्ड है, मिक्स विथ हनी एंड घी नियोनेट फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय आचार्य काश्यप. सबको पता है कि काश्यप ने बताया हुआ कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करना चाहिए, तो वो यूनिक है. द स्पेसिफिक बेनिफिट स्वर्ण प्राशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन मेंशन एज व्हेन एडमिनिस्टर्ड फॉर वन मंथ. क्या बेनिफिट हमको लेना है, यदि एक महीने तक लेंगे तो वो गर्म मेधा भी होता है और व्याधि भी नष्ट दुरुस्त है, व्याधि की उत्पत्ति नहीं होती. इफ सिक्स मंथ, हम छह महीने तक उसको करते हैं तो श्रुत दर होता है. फिर हम उसके आगे एज एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमको कब स्वर्ण प्राशन करना चाहिए, तो जो टेक्सचुअल रेफरेंस बेनिफिट बताया कि डेफिनेटली प्रोलॉन्ग यूज इज मस्ट, और उत्पल रसायन एंड आयु वर्धन इफेक्ट. स्वर्ण प्राशन फॉर वन मंथ एंड सिक्स मंथ बेनिफिट हायर मेंटल फंक्शन एंड एक्सप्लेन बाय आचार्य काश्यप. हमको वन मंथ या तो सिक्स मंथ तक उसको प्रयोग करना चाहिए. Method of which follow in modified version of Swarna Prasan is one in a month dose is not mentioned. Means पुष्य नक्षत्र में जो Swarna Prasan करने के लिए बताया हुआ है वो शास्त्र में, या तो हमको पहले डिसाइड करना है कि हमको आचार्य काश्यप के मुताबिक Swarna Prasan करना है, या तो चरक के मुताबिक करना है, या तो सुश्रुत के मुताबिक करना है. यदि आचार्य काश्यप के मुताबिक करना है तो रेफरेंस में कहीं पे भी पुष्य नक्षत्र बताया हुआ नहीं है. तो हमको यदि Swarna Prasan काश्यप के अनुसार बताना है तो ये रेफरेंस में पुष्य नक्षत्र नहीं आता है, वंस इन ए मंथ करना वो भी नहीं आता है, कंटिन्यू फॉर वन मंथ, कंटिन्यू फॉर सिक्स मंथ, तो कौन सा हम संहिता एडप्ट करते हैं उसी पर Swarna Prasan होगा. स्वर्ण प्राशन वर्ड भी काश्यप का ही आया हुआ है. स्वर्ण प्राशन गिवन फ्रॉम बर्थ टू क्षीरप एंड किराना दवसा, हमको अप टू वन ईयर या तो अप टू टू इयर्स मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, क्योंकि प्राशन है तो प्राशन हमको जब तक स्तन्यपान बताया उसी टाइम पे और प्राशन करने के कंडीशन में उसी टाइम पे, मतलब क्षीरप और किराना दवसा दो अवस्था में हमको देना चाहिए. फॉर दी ऑप्टिमल बेनिफिट, यदि हमको उसका ज्यादा बेनिफिट लेना है तो हम नियोनेटल पीरियड या तो उसके आगे भी स्वर्ण प्राशन का प्रयोग दे सकते हैं, क्योंकि पीएचडी वर्क में हमने अप टू वन ईयर मीन्स इन्फेंट में उसका प्रयोग दिया हुआ है. ये
स्मरण प्रासन जो उसका कंक्लूजन आता है, जो अभी तक मैंने बताया, मेरा ओपिनियन है, मेरा व्यूज जो बताया उसका कंक्लूजन है कि स्मरण प्रासन इज ए उद्दस्कर चिकित्सा। आयुर्वेद में दो चिकित्सा बताई हुई, स्वस्थ्य उद्दस्कर आतुरस्य विकारण। तो जो ये स्मरण प्रासन है ये स्वस्थ्य उद्दस्कर चिकित्सा है कि टू प्रमोट दी हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन, टू प्रिवेंट दी डिजीज। ये दो पर्पस से हम लोग स्मरण प्रासन करवाते हैं, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए करवाते हैं। तो स्मरण प्रासन को हमको फर्स्ट एम आयुर्वेद का फुलफिल करना है कि स्वस्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण हो, प्रिवेंट दी हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। मीन्स नियोनेट को या तो हमारे जो कौमारुत्य है, क्षीरोपेत क्षीरानाद अवस्था है, उसी का हमको हेल्थ प्रिवेंशन करना है। और पीडियाट्रिक इज अ रूट ऑफ जेरियाट्रिक। यदि हम पीडियाट्रिक एज में बच्चे का स्वास्थ्य नहीं देखेंगे तो उसका जेरियाट्रिक भी सही नहीं रहेगा, इसका यंग एज भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए जेरियाट्रिक को अच्छी तरह रखना है तो हमको पीडियाट्रिक एज से ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष में हम पानी ठीक से देते हैं, वृक्ष का रूट जड़ मजबूत होता है, तो कोई भी साइक्लोन होता है, कुछ भी डिजास्टर होता है तो वो गिरेगा नहीं। तो हम जो रूट है, परमावृत्त है, जो हमारा बच्चा है वो रूट है, तो रूट को हमको सॉलिड बनाना है, मजबूत बनाना है। और शरीर वृद्धि कर भाव में जो अविघात बताए उसको हमको पकड़ के रखना है कि कौमारुत्य अवस्था में कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम दी नियोनेट, फ्रॉम दी बर्थ हम सुवर्ण प्रासन करेंगे तो हम एक चैलेंजेड थिंग हम वर्ल्ड को या तो सोसाइटी को दे सकते हैं कि कंटिन्यू 1 महीने किया, कंटिन्यू 6 महीने किया तो बच्चे को कोई भी डिसीज की उत्पत्ति नहीं हुई, तो उसकी जनरल इम्यूनिटी बढ़ती है, उसके साथ न्यूरोलॉजिकल भी बेनिफिट रहता है। सुवर्ण प्रासन इज ए युक्तिकृत बल। जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार के बल बताए हुए हैं, सहज, कालकृत और युक्तिकृत, तो सुवर्ण प्रासन से हमको युक्तिकृत बल की वृद्धि होती है। इन कौमारुत्य फॉर चिल्ड्रन एज पर काश्यप, इंडिकेशन, प्रिपरेशन, ड्यूरेशन शुड बी फॉलो बाय कौमारुत्य। मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे कौमारुत्य वर्ड यूज किया है क्योंकि एक्सपर्ट इन कौमारुत्य जो काश्यप ने यूज किया है एज ए पीडियाट्रिशियन, तो पीडियाट्रिशियन के लिए कौमारुत्य वर्ड यूज किया है। तो जो एक्सपर्टाइजेस इन कौमारुत्य उसी को स्मरण प्रासन का प्रयोग उसमें फुल चिल्ड्रन के लिए करना चाहिए। स्मरण प्रासन शुड बी डन बाय ऑथेंटिक स्किल पर्सन। जैसे सुवर्ण भस्म की प्रिपरेशन में हो गया, लेकिन सुवर्ण प्रासन हमको बनाना है कि सुवर्ण हम परचेस करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, वहां से लेके उसका शोधन, फिर भस्म प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर भस्म परीक्षण, फाइनलाइज पैकिंग इनटू बोतल शुड बी अंडर द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। किसी के ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही ये सब चीज होनी चाहिए। काश्यप संहिता ने जो मेंशन सुवर्ण प्रासन किया है उसमें प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए किया है, नॉट फॉर दी मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। डिसीज के मैनेजमेंट के लिए सुवर्ण प्रासन नहीं बताया है। डिसीज के मैनेजमेंट के लिए पहले मैंने 5 मिनट बता दी कि बहुत सारे सुवर्ण योग बताए, जैसे कि भ्रूणवाद चिंतामणि है। यदि एडल्ट में या तो बड़े बच्चे में हमको डिसीज के लिए करना तो भ्रूणवाद चिंतामणि यूज कर सकते हैं, वसंत कुसुमा का रस कर सकते हैं। कौमारुत्य में हमको डिसीज के लिए यूज करना है तो कुमार पर्याप्त का रस है उसी को यूज कर सकते हैं। तो सुवर्ण योग जो है उसी का हम यूज कर सकते हैं, बट नॉट सुवर्ण प्रासन। यदि हम सुवर्ण प्रासन का यूज करते हैं, काश्यप के मुताबिक करते हैं, तो सुवर्ण प्रासन अकॉर्डिंग टू एज मेंशन बाय काश्यप एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो काश्यप, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब हमको लेना पड़ेगा। फॉर 1 मंथ एंड फॉर 6 मंथ ड्यूरेशन सुवर्ण प्रासन का काश्यप ने बताया उसी के अनुसार लेना चाहिए। फॉर बेटर इफेक्ट के लिए 1 to 1 month एंड 1 to 6 month एंड मैक्सिमम अप टू क्षीरपो एंड क्षीरानाद अवस्था मीन अप टू 2 years। एंड जैसे औसत का बताया हुआ है प्राप्त भक्त, तो बिफोर खाने से पहले बिफोर मील होता है, जो 1 साल 2 साल का बच्चा होता है वो फिर स्तन्यपान पे होता है, इसीलिए बिफोर स्तन्यपान बिफोर फीड उसको देना चाहिए। उसका मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए मधु और ग्रुथ के साथ, उसको गो ग्रुथ हो तो सबसे बढ़िया अच्छा है, लेकिन कोई भी मेडिकेटेड घी नहीं लेना है। ये मेरा ओपिनियन है कि यदि मेडिकेटेड घी लेते हैं तो मेडिकेटेड घी में जो ड्रग है, जो मेडिकेशन है, उसी का भी इफेक्ट होगा, तो सुवर्ण प्रासन का इफेक्ट नहीं रहेगा। और काश्यप ने मधु सर्पी बताया, सर्पी से मेडिकेटेड ग्रोथ नहीं होता है, तो सुवर्ण प्रासन में हमको प्योर गो ग्रोथ का ही प्रयोग करना चाहिए। सुवर्ण प्रासन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक एंड वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट ऑफ काश्यप संहिता फॉर इन्फेंट। सेल्फ मेडिकेशन ऑफ सुवर्ण प्रासन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्किल आयुर्वेद
कॉमा डुटेगना। हमारी ड्यूटी है कि जो सेल्फ मेडिकेशन होता है उसको हमको रोकना चाहिए, उसको कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि कभी कुछ भी होगा तो सबको पता है कि वो हम पे ही आ जाएगा। सूर्यग्रासन इन डिसीज कंडीशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्किल आयुर्वेद कॉमा डुटेगना, ये मैंने ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। टू मच मार्केटिंग पॉपुलरिटी एंड पब्लिसिटी शुड बी रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यदि कोई भी चीज होती है तो उसकी ज्यादा पॉपुलरिटी होती है, ज्यादा मार्केटिंग होता है, उसका बहुत सारा यूज होता है, तो उसमें फिर ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हमको पहले हमारा रूट है मजबूत करने के बाद उसकी पॉपुलरिटी बनानी चाहिए। फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ फॉर्मूला नीड टू डू रिसर्च वर्क एट इंस्टीट्यूट लेवल मल्टी सेंटर। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे जोधपुर में प्रोटोकॉल वर्कशॉप हुआ, उसी में भी यही एक सजेशन है कि मल्टी सेंटर पे उसका प्रयोग होना चाहिए। तो मल्टी सेंटर लेवल में एज होना चाहिए फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ, फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, ऐसे क्षीरक और क्षीराना दवस्था, फिर हेल्थी कंडीशन, और फिर ऐसे ऐसे मल्टी सेंटर में सुवर्ण प्राशन का प्रयोग करवाना चाहिए। और उसके साथ ही जो जो सैंपल हम बनाते हैं उसका एनालिटिकल स्टडी होना चाहिए, माइक्रोबायल स्टडी होना चाहिए, और फाइनल सूर्यप्रासन की ईच बैच, जो जो हम बैच बता रहे हैं वो सभी बैच का एनालिटिकल स्टडी, माइक्रोबायल स्टडी होना चाहिए। ये क्षीरपात किराना बात हो गई है। और सुवर्ण प्राशन शुड नॉट बी कोरिलेट विद एनी अदर, प्राशन को किसी के साथ हमको कोरिलेट नहीं करना है। लेहन इज ए सप्लीमेंट्री फूड और सुवर्ण प्राशन लेहन नहीं है। हम लिकिंग करवाते चटाते, लेकिन सुवर्ण प्राशन लेहन नहीं है, क्योंकि लेहन में काश्यप ने इंक्लूड नहीं किया है। तो सुवर्ण प्राशन एक अलग से उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है और इन बिटवीन दिया हुआ है, जहाँ पे लेहन इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसके बाद लेहन है, उसके बाद संवर्धन ग्रुप ब्राह्मी ग्रुप वो सब दिया हुआ है, इसीलिए उसको लेहन के रूप में नहीं लेना चाहिए या किसी के साथ कोरिलेट नहीं करना है। सुवर्ण प्राशन इज ओनली एंड ओनली सुवर्ण प्राशन। और सम ऑथेंटिक टेस्ट मार्क और कैंडिडेशन मार्क शुड बी डेवलप, हमको ये डेवलप करना है। जैसे ISI होता है कि सुवर्ण प्राशन बहुत पॉपुलरिटी मार्केटिंग होता है, उसका मार्केटिंग के लिए ये सब हमको डेवलप करना है। और ये एक हमारा है कि सुवर्ण प्राशन जो हम बॉटल में बनाते हैं तो उसमें पर्टिकुलर कोल्ड सीजन में वो नीचे थोड़ा सेगमेंट हो जाता है, तो उसी को जब भी हम देना है तभी उसको शेकिंग करके देना है। सुवर्ण प्राशन फॉर मेधा अग्नि बलवर्धन दैट मेक प्रमोटिव एंड प्रिवेटिव इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ न्यूनेट, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इन्फेंट। तो व्याधि क्षमत्र इन क्षीराना दवस्था में सुवर्ण प्राशन का हमको प्रयोग करना चाहिए। पीडियाट्रिक इज ए रूट ऑफ जेरियाट्रिक, जैसे मैंने बताया कि पीडियाट्रिक, मैं अभी भी बार बार बताती हूँ कि बच्चा कभी भी बीमार ना हो, मुझे प्रिवेंटिव पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, बच्चा कभी बीमार ना हो, और वसुधैव कुटुंबकम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, उसी एम पर हमको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, उसी एम पर हमको ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि वो अभी जरूरी है। अभी बहुत सारे डिसीज है उनकी ट्रीटमेंट नहीं, हम लोग सब सफर कर रहे हैं, कि जैसे COVID-19 आया, 20 आया, तो उसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तो हमको जनरल इम्यूनिटी बढ़ानी है कि जिससे कोई भी डिसीज का हमारे शरीर में एंट्री ना हो, नॉट ओनली फॉर कॉमा द्वितीय बट फॉर होल पर्सन आइदर इन यंग एज और इन ओल्ड एज। तो यदि हमारा कॉमा द्वितीय में बच्चा स्वस्थ होगा तो हम उसको जेरियाट्रिक भी स्वस्थ रख सकते हैं, यंग पर्सन को भी ठीक रख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने बहुत सारा टाइम लिया, मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अथॉरिटी, पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर गीता, डॉक्टर रितेश, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेरिंग टाइम फॉर मी, सो थैंकफुल टू ऑल हियरिंग मी पेशेंटली, एंड इट इज गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई कैन व्यू माई ओपिनियन। So this is only and only my opinion for the Suvarna Prasan, क्योंकि मैं संहिता को स्ट्रिक्टली मानती हूँ, संहिता को स्ट्रिक्टली मानना चाहिए और पर्टिकुलर काश्यप ने जो बताया उसी पर जाना चाहिए। तो मतलब दूसरे जो ओपिनियन है उसी से मेरा ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने मेरा ओपिनियन ही रखा हुआ है। तो आप सब लोग मुझे माफ पे और थैंक यू वेरी मच मैडम। हेलो मैडम, अलता मैम, मैडम आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, मैं ये कह रही थी हमारे कमिश्नर साहब जुड़ चुके हैं, मैडम आप बने रहिएगा अभी सेमिनार में। हेलो मेरा स्टॉप सेटिंग कर दूं ना? हाँ मैडम कर लीजिए, आप स्टॉप सेटिंग कर दीजिए।
तो आज जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, आज हमारे माननीय आयुक्त महोदय तो एम के अग्रवाल सर आईएएस अपने व्यस्तम समय से आज जो है विधानसभा में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में बिजी होने से सर अपना अमूल्य समय हमारे बीच में देने आए हैं। सर से मैं आशीर्वचन के लिए बोलूँगा कि सर अपना इस वेबिनार में सर 800 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 300 से अधिक लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो हमारे आज के वक्ता हैं ये IPGT एंड RA गुजरात जामनगर के सर HOD मैडम हैं तो जिनका बड़ा रिसर्च का अनुभव है। दूसरे वक्ता हमारे डॉक्टर ओझा मैडम हैं NIA जयपुर से। तो सर मैं ये आप सबको जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय आयुक्त महोदय हैं जो सेक्रेटरी भी हैं आयुष डिपार्टमेंट ऑफ MP में, आपके सहयोग से पूरे मध्य प्रदेश में बहुत आयुष का विकास हुआ है। COVID-19 में सर की विशेष रुचि के अनुसार आरोग्य कषायन के रूप में रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा है, उससे लोगों को रिलीफ क्या उसमें नेगेटिव होकर के सारे पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। जीवन अमृत योजना सर के माध्यम से चलाई गई है। कल ही श्रीमान के निर्देशन में सभी प्राचार्यों को बुलाया गया और निर्देश दिए गए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पदों का सृजन हो, पदोन्नतियाँ हो, सर की सोच बड़ी सकारात्मक और बहुत कुछ उन्नति करने की है। हम माननीय आयुक्त महोदय डॉक्टर MK अग्रवाल सर को अपने बीच और हम आयुष डिपार्टमेंट का सौभाग्य समझते हैं कि सर आपने हमारे लिए महाविद्यालयों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत कुछ किया है। सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं चाहता हूं सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आशीर्वचन दो शब्द आप जरूर कहें सर अग्रवाल सर। सर नमस्कार चौरसिया जी, मेरी आवाज आ रही है? आज के इस वेबिनार में जो कि अभी लगभग 12 बजे प्रारंभ हुआ था, मध्य प्रदेश में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वेबिनार भी अभी प्रारंभ हुआ 12 बजे जो 2 बजे तक चलेगा, जिसमें अभी आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संबंध में अलग अलग विषयों पर कई सारे ग्रुप्स बनाए गए और उसमें विभिन्न मुद्दे रखे गए, एक्शनेबल पॉइंट्स रखे गए। जो पिछले दिनों में 4 दिन तक हमारे आत्मनिर्भर के ऊपर वेबिनार हुए थे, इसमें पूरे हिंदुस्तान से नेशनल इंटरनेशनल बाहर के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे सुझाव आए थे। आज उन्हीं के ऊपर हमारे यहाँ पर 12 मिनिस्टर्स और विभिन्न विभाग यथा स्वास्थ्य विभाग, एलोपैथी, चिकित्सा, आयुष सभी की मिलकर के अभी एक वेबिनार चल रही है जो दूसरे सिस्टम पर है। इस बीच में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे आने में लेट हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के इस वेबिनार के लिए मैं डॉक्टर चौरसिया जी को और उज्जैन कॉलेज के सभी आयोजकों को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस एक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित किया है। कोविड से पहले जब मैंने दिसंबर माह में इस आयुष विभाग में ज्वाइन किया था, मैंने लगभग सभी महाविद्यालयों का और कई सारे औषधालयों का विजिट किया था। कई महाविद्यालयों में सुवर्ण प्राशन कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा था, कई जगह थोड़ा सा हल्के तरीके से चलाया जा रहा था, बल्कि औषधालयों में ये हमारे कई जगह चालू भी नहीं था। मैंने इसकी महत्ता को समझा, चिकित्सकों से चर्चा की और हमने इसको एक वृहद रूप में लागू करने की योजना प्रारंभ की थी। इसी बीच में आप सभी को मालूम है कि मार्च माह से पूरा देश प्रदेश और पूरा प्रशासन सभी लोग कोविड संक्रमण से जूझने में लगे हुए हैं। इसमें एक बात सबके सामने आई है कि यदि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो वह किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित नहीं होता है या संक्रमण से मुकाबला करने में
उसे बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, संक्रमण होता है और थोड़े दिन में संक्रमण निकल जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं होती है उन्हें संक्रमण घिरता है और उन्हें तकलीफ होती है। हम यदि लोग कभी पोस्ट कोविड की भी बात कर रहे हैं, कोविड के बाद में क्या किस तरह से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए, हम जो बात कर रहे हैं अभी बात कर रहे हैं 15 साल से लेकर के इससे ऊपर के व्यक्तियों की और विशेषकर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों की किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए। मेरा ये मानना है कि हमें हमारे बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें किस प्रकार से विकसित की जा सके। ये बात सामने आई है कि आयुर्वेद इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है और स्वर्ण प्राशन योजना के अंतर्गत यदि हम किसी भी बालक को एक निश्चित समय के लिए स्वर्ण प्राशन कराते हैं और उसे इसकी बूंदें देते हैं, जैसा कि बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र के दिन इसको दिया जाता है, साल में 12 बार लगभग 12 बार ये आयोजन हो सकता है। हमने इसकी मॉनिटरिंग भी की लेकिन ये देखने में आया कि कुछ जगह एक बालक जबकि फॉलोअप करते हैं तो कुछ कोई 3 बार आता है, कोई 4 बार आता है, कोई 6 बार आता है, कोई नहीं भी आता है, कोई 1 बार आकर के रह जाता है। हमें इसे गंभीरता को लेते हुए इस योजना को मध्य प्रदेश में लागू करना है। हम इसे आगे चल के माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ही चर्चा होगी हम मध्य प्रदेश में इसे विस्तृत रूप में लागू करना चाहते हैं और हमने शासन से इसमें बजट की भी अपेक्षा की है और आज के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में इसे लगभग लगभग स्वीकृत भी मान लिया गया है। जैसा आपने अभी मैं डॉक्टर कल्पना पटेल को सुन रहा था पिछले 20-25 मिनट से कि किस प्रकार से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक छोटे बालक को जिसकी उम्र 14 साल से कम है स्वर्ण प्राशन कराया जाता है, किस प्रकार से उसे इसका लाभ मिलता है, कितनी बार कराना चाहिए, ये सारी बातें जो आज हम इस वेबिनार में कर रहे हैं हमें अपने आयुर्वेद चिकित्सकों के हमें पैरामेडिक्स के लिए नीचे तक इस बात को पहुंचानी होगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से इस योजना को हम पूरे प्रदेश में शासन की तरफ से लागू करना चाहते हैं। हमने 2-3 महीने इसको लागू किया था लेकिन कोविड संक्रमण के कारण से इसमें रुकावट आई, अब इसे हम लोग पुनः लागू करेंगे। इसमें मेरा विचार ये भी है कि हम इसे अपने स्तर पर बनाएं। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद फार्मेसी है, हमारे यहाँ पर यूनानी फार्मेसी है और सभी महाविद्यालयों में अपने एक इन हाउस फार्मेसी भी है जिसमें हम इसका निर्माण करें और घर घर तक हम इसको पहुँचाएं, जिससे मध्य प्रदेश में जो कहा जाता है कि कुपोषण का स्तर अधिक है, बच्चों में कुपोषण है, मॉल न्यूट्रिशन है और उनका पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं होता, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसका निवारण हम आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा आप सभी को विदित है कोविड ने हमें एक अवसर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी और घर घर में आज आयुर्वेद की बात होती है, आयुर्वेद की चर्चा होती है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से त्रिकटु का काढ़ा वितरित हुआ या हमने असिम्प्टोमेटिक सिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लोगों को एक अपना काढ़ा तैयार कर जिसका नाम आरोग्य कसायन दिया गया, बड़ा पॉपुलर हुआ और आज की तारीख में हम लोग 25,000 से अधिक मरीजों को ये दे चुके हैं और हमारे चिकित्सकों का ये भी दावा है कि यदि इस काढ़े को नियमित रूप से चिकित्सकों की देख रेख में इसका सेवन किया जाता है तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति 5 से 6 दिन के बाद में नेगेटिव हो जाता है। इसी अनुभव के साथ, इसी तर्ज के साथ में अब हम बच्चों में संक्रमण दूर करने के लिए, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए स्वर्ण प्राशन योजना को एक अच्छे रूप में और बृहद रूप में लागू करना चाहते हैं। इसमें आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आज इसी विषय को लेकर के ये वेबिनार आयोजित की गई है। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, मैं इसको जितना समय होगा इसको सुनूंगा। मेरा चौरसिया जी से अनुरोध है कि आज जितने भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहे हैं या जितनी रिकॉर्डिंग आप लोग कर रहे हैं आप मुझे एक अवश्य भेजें। मेरा इसमें ये भी मानना है कि अभी हमारे यहाँ पर एक तरह से ये अनऑर्गनाइज तरीके से इसको लागू किया जा रहा है, मैं इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहता हूँ। सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन जिन संस्थाओं में इसे लागू किया गया है वहाँ पर इसका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन तैयार की जाए, डिजिटल इंफॉर्मेशन तैयार की जाए, एक बच्चे का हम पूरा प्रॉपर फॉलोअप करें। जैसे जैसे बच्चा हमारे संस्थान में आएगा
यदि वो पहली बार पहले तो उसे लाने की कोशिश की जाए, और जब वो आ जाता है एक बार भी यदि वो स्वर्ण प्राशन का उपयोग करता है तो जब अगला माह पड़ेगा तो उसके पास में ऑटोमेटिकली SMS अलर्ट जाना चाहिए कि अगले 3 दिन बाद फिर या अगले 2 दिन बाद हमारे यहाँ पर स्वर्ण प्राशन इस दिनांक को इतने समय से इतने समय तक होगा। और हमें जब वो प्रारंभिक तौर पर हमारे पास में आता है उसके पूरे पैरामीटर्स, उसके हेल्थ के पैरामीटर्स हम लोग नोट करें, और जब वो ठीक हो जाता है तो या उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम उसका पूरा साल भर तक उसका फॉलोअप करके अच्छे से उसका अभिलेख तैयार करें और आमजन के सामने रखें कि न केवल एलोपैथी से बल्कि आयुर्वेद के माध्यम से भी हम बालकों में, छोटे बच्चों में कुपोषण भी दूर कर सकते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं, और ये एक अच्छा माध्यम है। मैं आज इस वेबिनार के लिए आप सभी का आभारी हूँ। शासन की तरफ से चौरसिया जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजित की, और आज के इस वेबिनार के माध्यम से बहुत ही अच्छे सारगर्भित चर्चा होगी जिसका लाभ आप सबको, हम सबको और प्रदेश की जनता को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रार्थी हूँ सर, मैं कुछ बातें बोल नहीं सका बीच में। अग्रवाल सर जब से आए हैं, आपका एक और निर्देश था सर, उसको हम पालन कर रहे हैं आपके निर्देशों का। सर का इच्छा है अग्रवाल सर की कि पूरे महाविद्यालयों के जो चिकित्सालय हैं उसमें सामान्य चिकित्सा के साथ साथ फोकस्ड क्लिनिक बनाए जाएं। कुछ 16 डिजीज, 16 तरह के रोग विशेष हैं, कुछ सिस्टम वाइज हैं सर, उसको हम बहुत जल्दी प्रारंभ करेंगे। स्वर्ण प्राशन में आपकी रुचि, आपने समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमेशा उसके प्रति रुचि दिखाई है सर। जो हमारा विभाग है बाल रोग विभाग, उसके विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश जी व्यास और डॉक्टर गीता मैडम जो आज कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ये बहुत उन्नत डिपार्टमेंट है सर इनका। आप कुपोषण और स्वर्ण प्राशन का दायित्व तो आपके ऊपर है, और वैक्सीनेशन भी होता है, और आपके निर्देशों के अनुरूप इसको उन्नत समुन्नत किया जाएगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अग्रवाल सर, थैंक यू सर। पूजा मैडम, निशा मैडम, मैं माननीय आयुष महोदय का एक बार पुनः थैंक्स बोलना चाहती हूँ सर, हमारे बीच उपस्थित रहे, सबकी गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं डॉक्टर गीता जाटा धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय बाल रोग विभाग से स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम में ही देखती हूँ सर, वेद प्रकाश व्यास सर के निर्देशन में और आपके दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार सर स्वर्ण कार्ड बनवाए, लिटरेचर बहुत तैयार करवाया, लेकिन मार्च के बाद लॉकडाउन के लिए वो प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाएंगे। दोबारा जब स्वर्ण प्राशन हमारे महाविद्यालय में प्रारंभ होगा तो हम पूरा लिटरेचर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सर। आज के हमारे वक्ताओं में आपने डॉक्टर कल्पना पटेल मैडम के बारे में सुना सर, इसके बाद हमारी जो दूसरी वक्ता है डॉक्टर निशा ओझा मैडम है, NIA जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की स्नातकोत्तर विभाग बाल रोग में MD और विभागाध्यक्ष है मैडम। मैडम का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ सर। निशा ओझा मैडम, निशा ओझा मैडम ने 1 सितंबर 2016 से सर अपने वहाँ स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है। मैडम के यहाँ भी अनवरत ये प्रोग्राम चल रहा है। मैडम बहुत ही रिनाउंस प्रैक्टिशनर हैं, उनके अंडर में रिसर्च 50 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, 3 बुक्स में उनकी आर्टिकल छपी है। इग्नू द्वारा जो संचालित होता है आयुष नर्सिंग कोर्स, उसके लिए अध्ययन और पठन सामग्री का भी मैडम ने संग्रहण किया था। इसके अलावा 21 PG थीसिस, 3 PhD थीसिस में मैडम गाइड रही हैं, और 16 गेस्ट लेक्चर्स मैडम ने डिलीवर किए हैं सर। ऐसे विशिष्ट अतिथियों के सानिध्य में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है सर। आपकी परमिशन हो तो अब हम अगले वक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं सर, डॉक्टर निशा ओझा मैडम को। मैं जरूर जरूर बुला लीजिए, सभी को धन्यवाद दी, मैडम का भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर निशा ओझा मैडम, थैंक यू मैडम गीता। मैं शेयर करूं पहले स्क्रीन। अंकिता मिश्र,
Yes, ma'am, it's visible. Thank you, Dr. Geeta and Dr. Ritesh. Honorable Chief Guest, Shri Ram Kishore Kamre, Sir, Honorable Minister Ayush, Chief Guest, Honorable Minister Ayush MP, respected Dr. M.K. Agarwal, Sir, Secretary and Commissioner Ayush MP, Dr. J.P. Chaurasia, Sir, Principal Government Ayurvedic College and Hospital Ujjain, Dr. Mahesh Sharma, Sir, Principal Government Ayurvedic College, Gwalior, Professor Kalpana Patel, Ma'am, HOD, IPG, Department of Kumar Vidya, IPGT and RA, Jamnagar, and Dr. Ved Prakash, Sir, Vyas, Sir, Associate Professor and HOD, Kumar Vidya Vibhag, Department, Government Ayurvedic College, Ujjain, Dr. Geeta Jatav, Dr. Ritesh Verma, and Dr. Rohit Singh. Very good afternoon to all. Today I'm going to speak on rationality of Swarnaprashan in children, evidences from Ayurveda. Full screen karun, Dr. Ritesh. Yes, ma'am. Aap kar lijiye apne iska slide show slide show. Ma'am, niche se niche se. F5 दबा दीजिए मैम, शायद F5 से आ जाए. ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. और अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि अभी हम लोग इतनी सारी, मैडम कल्पना ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत इंफॉर्मेटिव था. मैक्सिमम मैम ने काफी कवर कर लिया उसका पार्ट जो है. सो आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन रेशनैलिटी ऑफ स्वर्णप्राशन इन चिल्ड्रन एविडेंसेस. कमिंग टू दिस, दैट व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट दिस, why there is a need of this this webinar on this topic, and hum is baat pe charcha kyun kar rahe hain, because predominantly when the future of the nation, the young children's health is in question. Aaj chote bachchon ki, jaise sir ne bataya, secretary sir ne, ki aaj hum ye question ho raha hai ki hamare bachchon ko hum kaise bachaye, kisi bhi unka health acha kaise kar sakte hain, preventive aspect uska kya ho sakta hai. Ayurved ka aajkal har vyakti ke ghar ghar mein ayurved pahunch chuka hai, aur ayurved ke madhyam se hum aisa kya kar sakte hain samaj se ki jisse ki hum bacche ko future ko bacha sakte hain, aur bacche jo hai wo nation ke bhi future hai. Isliye aaj hamari need hai, this is the need of the hour to speak on this and talk on this and work on this. Tino cheez ki need hai. And now हम ये देखते हैं कि प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस कंस्टिट्यूट अ मेजर रोल इन मॉर्बिडिटी ऑफ चिल्ड्रन, एंड इट कंस्टिट्यूट फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस एंड इलनेसेस इन चिल्ड्रन मे रिजल्ट इन सिवियर लिमिटेशंस इन देयर डेवलपमेंट, एंड दे रिमेन डिप्राइव ऑफ द मेनी ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड. What Ayurveda says, Ayurved क्या कहता है बच्चों के बारे में, कि बच्चों में प्राण दोष धातु, प्राण दोष बल धातु ओजस, all of these are not fully developed. Children are very delicate. कुमार जो है वो सुकुमार है, प्राण दोष बल धातु ओजस जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, एंड देयर फॉर चिल्ड्रन नीड स्पेशल केयर. हम ये मान के चलते हैं, आयुर्वेद भी ये कहता है कि चिल्ड्रन जो है वो स्पेशल केयर, उनको चिल्ड्रन को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है. Therefore, by all means, the children should be supported externally in order to prevent the infection, and at the same time, measures should be taken for proper development of the immune system. अब हम अगर current scenario देखें infective disorders की, तो हम ये देख सकते हैं कि जिन कुछ जो infective disorders हैं, उनकी immunization available है हमारे पास, like smallpox, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, tuberculosis, hepatitis B and so on. लेकिन फिर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि there is a trend of emerging new bugs. एक के लिए हमने वैक्सीन बनाया और दूसरा बग इमर्ज हो गया. जैसे कि अभी हमारे पास जो है इतनी, जो हम लेफ्ट साइड में जो इम्यूनाइजेशन अवेलेबल बात कही, उसके बाद हम राइट साइड में देख सकते हैं कि उसके बाद नए बग्स आ गए, H1N1 आ गया, जीका वायरस आ गया, डेंगू आ गया, COVID-19 आ गया. तो इस तरह से नई नए जो वायरल डिजीजेस या बैक्टीरियल डिजीजेस बार बार आगे आगे नए नए बग्स इमर्ज करते रहते हैं. हम ये देखते हैं इस स्क्रीन से कि जो ड्यूरिंग 1983 से लेके 2013 तक अगर हम वैक्सीन्स देखें, तो 1983 में केवल 10 वैक्सीन्स थी अगेंस्ट 10 या 13 कह सकते हैं, अगेंस्ट 13 जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं. बट आज हम देख रहे हैं कि 2013 में इट इज अबाउट 36-38 वैक्सीन्स. इतनी सारी वैक्सीन्स हमें बनानी पड़ी है कि हम इन बग्स को जो है
उसको हम उनके अगेंस्ट हम रेजिस्टेंस डेवलप कर सके. सो वी कैन सी द चेंज इन द नंबर, इंक्रीज राइज इन द नंबर ऑफ वैक्सीन. तो हमें एक बच्चे को बचाने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए, डिजीज के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए हमें 36 to 38 प्रिक्स देने पढ़ सकते हैं. एंड इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आगे जाके और कितनी वैक्सीन हमें बनानी पड़ेगी और हमें देनी पड़ेगी. वी कैन ऑल्सो सी दस दीज आर द मेजर मॉर्बिडिटीज इन चिल्ड्रन एंड कॉजेज ऑफ मेजर मॉर्बिडिटीज इन चिल्ड्रन. और हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 2.5 million चाइल्ड डेथ्स पर ईयर आर प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीन. ये हम मान के चल रहे हैं कि वैक्सीन हैव अ मेजर रोल इन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स. But still, nearly 2 million children die of vaccine-preventable diseases every year, representing 25% of all deaths among children under 5. And death due to rotavirus diarrhea and invasive pneumococcal disease and pneumonia top the list of opportunities. These two jo hain wo usme topmost list of priorities pe hain. अभी हम जैसे देखें, एक और कारण हो सकता है कि इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है परफॉर्मेंस इन राजस्थान, क्योंकि मैं अभी राजस्थान में काम कर रही हूँ तो राजस्थान का ही मैं डेटा दिखा रही हूँ कि इम्यूनाइजेशन का परफॉर्मेंस इन राजस्थान इज ऑल्सो नॉट 100% एंड इट इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री. सो हम अगर वैक्सीन देते भी हैं तो सो कवरेज इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्ट्री. सो वॉट आर द प्रॉब्लम एरियाज, हम यहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज ये देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है दीज आर डिजीज स्पेसिफिक, कि एक वैक्सीन, एक डिजीज आई और हमें उस स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनानी पड़ रही है. एंड स्टिल न्यू बग, न्यू वैक्सीन, न्यू बग आता है और उसके बाद हमें फिर न्यू वैक्सीन बनानी पड़ती है. एंड येट इतना बनाने के बावजूद भी येट वी हैव नो वैक्सीन फॉर HIV, मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस एंड all and again for further new diseases, new vaccines, this chain goes on. और इस तरह से हमें ये cycle, ये chain को chain बढ़ती जा रही है. New disease emerge हो रही है और new उसके लिए vaccines की आवश्यकता हो रही है और हम बना भी रहे हैं. तो इस तरह से जो वैक्सीन की संख्या है 2000 जो कि हमने लास्ट टेबल में देखा 1983 से 10 की अपेक्षा उसमें इतनी फास्ट राइज हुआ है कि वो 36 to 38 वैक्सीन हमें आज की डेट में अवेलेबल हैं. और इतनी वैक्सीन हम अगर किसी बच्चे में इम्यूनिटी के लिए हम अगर वैक्सीन देना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट वी हैव टू गिव 36 to 38 प्रिक्स टू अ इनोसेंट चाइल्ड, डेलिकेट चाइल्ड है उसको हमें इतने प्रिक्स देने पड़ सकते हैं. तो इसके डिसएडवांटेज क्या है अभी वैक्सीन का, क्या है कि देर इज नो 100% कवरेज. अभी जो भी इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें 100% कवरेज नहीं है वैक्सीन की. एंड दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल एंड इमरजेंस ऑफ नोवल माइक्रोबियल पैथोजेंस लाइक H5N1 इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन इन हांगकॉन्ग एंड नीपा वायरस इन मलेरिया मलेसिया. And complications, there are certain complications of some vaccines also like rotavirus vaccine causes intussusception. And therefore, there is no easy formula for success. Abhi humare paas koi bhi easy formula nahi hai. So we can also question the future of vaccines because it is endless. There is no limit ki ye kahan tak jaake rukegi, ki kis vaccine tak jaake rukegi. So लेहन आयुर्वेद में देर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज लेहन. और ज्यादातर हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो वी नो लेहन वेरी वेल. सो लेहन इन आयुर्वेदा इज इंडिकेटेड सिंस बर्थ. इट इज फॉर एस्टैब्लिशिंग इम्यूनिटी, प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकिक स्ट्रेंथ, प्रमोटिंग प्रॉपर ग्रोथ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, आयुष्य बिकॉज इट प्रोवाइड्स लॉन्गिविटी, रक्षोग्न इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. It is cost effective also. Traditionally, the most important thing is that traditionally accepted. Lehan, jo bhi hum Ayurved ki baat kare, to India mein jo humare Ayurved ki drugs hain, these are traditionally accepted against low immunization rate, that is 50%, round about 50%, which is not traditionally accepted. People, they don't want to give immunization in rural areas and in where there is low poor literacy rate, they don't have any awareness about the vaccines. So their immunization rate is average 50%. Also, this our Ayurvedic Lehan drugs, they provide non-specific immunity, whereas as compared to vaccines which are disease specific, and also our Lehan drugs, they build up natural resistance. So why stop? In the meantime, earlier in ancient time, it was in practice, but it was in between some eras, it was stopped. And this was due to fear of gastroenteritis or due to the fear of presence of certain proteins which may harm the child.
वी कैन ऑल्सो सी द वर्ल्ड ट्रेंड इन इम्यूनाइजेशन. हम अगर देखते हैं वर्ल्ड ट्रेंड इम्यूनाइजेशन का, तो जैसे कंट्रीज लाइक जापान, चाइना एंड कोरिया, दे यूज देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन दिस एस्पेक्ट. अब हम आते हैं स्वर्ण प्राशन की बात करते हैं. तो मैडम कल्पना ने बहुत अच्छे से सब बता दिया है, मैं एक बार जस्ट रिपीट कर देती हूँ कि स्वर्ण प्राशनम ही एतद् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृषम वर्ण्यम ग्रहापम मासात परम मेधावी व्याधिर विषय न गृष्यते षड्वीर मासात मासे श्रुतधर स्वर्ण प्राशनात भवेत. मीन्स द स्पेसिफिक, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ स्वर्ण प्राशन, बिकॉज लेहन कम्स ऑन, सॉरी स्वर्ण प्राशन कम्स अंडर लेहन एंड देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ दैट स्वर्ण प्राशन एज इट मेधा अग्नि बल वर्धनम. इट इज मेधा अग्नि बल वर्धनम विच इम्प्रूव्स द इंटेलेक्ट, डाइजेशन, मेटाबोलिज्म, इम्यूनिटी एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. It is also ayushyam, promoting lifespan. Mangalam, auspicious is this. Righteous, it is aphrodisiac. And varnyam, it helps in enhancement of color and complexion. And it is, most importantly, it is grahapaham. That is, it provides protection from evil spirits, and which in today's terms, microorganisms, and in today's terms, we can see that we can call it as anti. We can use it as an immune enhancing agent. Benefits according to duration of the administration. Kashyap, Acharya Kashyap is also mentioned the benefits according to the duration of administration. And he said that if administered, baby will become medhavi, and that is highly intelligent, and vyadhir bishana grishyate, that is baby is not be affected by any disease. And if it administered for 6 months, the baby will become shrutadhar, and he is able to remember the things which are just heard. Now coming to the more most scientific part, but we want to know for what we are sitting here. There is a lots of question about the doses of swarna bhasma in swarna prashan. How much dose? We are in confused state that how much swarna bhasma should be used, and as per the age or weight of the child, we have to decide. And we, while reviewing the Ayurveda literature, it has a high range from 1/4 to 1/8, means from 15 to 30 mg as per Rastarangani. As per Rasaratna Samuche, it is the dose adult. I'm speaking about the adult dose, and as per Rasaratna Samuche, it is 250 mg. As per Sushrut Sharir, it is 125 mg. As per Ashtang Hriday Uttar Tantra, 1 Harenu, and as per Bhashyaja Ratnavali, it is 3.9 mg. And as per AFI, which is now standard for Ayurveda people, it ranges from 15.5 to 62.5 mg of swarna bhasma. So this is the important, the last one, that is according to the AFI, which is now has become the standard in India. We can take the range from 15.5 mg to 62.5 mg of swarna bhasma in adult. So we have decided the age of the dose of swarna prashan according to different age group of children, and taking the AFI doses range as a standard, we have decided and we have calculated the approximate quantity of swarna bhasma in children, and this is the mid value, and we have calculated as per the Clark's rule, and we have calculated the age in month for a infant. For one month of old child, we can give one drop per day, and approximate quantity of bhasma should be 0.2 mg. And for 2 months old child, two drops can be used, and the approximate dose here, that may be 0.4 mg. Actually, we had a workshop at Jodhpur, and वहाँ पे हम लोगों ने ये decide किया था कि AFI के जो range है from 15.5 to 62.5 mg, जो range है, it is a very wide range, और इस range के आधार पे हमने क्या किया कि हमने बच्चों की जो doses बनाई. अभी जो मैं slide दिखा रही हूँ उसमें मैंने सिर्फ एक mid value बता दी कि ये है, बट इट इज वेरी इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि हम 0.2 mg ही हम एक ड्रॉप में डाल पाए. सो वी कैन यूज द रेंज, क्योंकि 15.5 mg टू 62.5 mg, इट इज अ सेफ रेंज. अब इस रेंज में हम बच्चों के लिए भी हम एक रेंज ले सकते हैं, रेंज से क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है कि हम फिक्स डोज 0.2 mg हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक ड्रॉप में हम 0.2 mg डालें. तो इस जो डोज रेंज है,
इस रेंज के हिसाब से हम एक रेंज ले सकते हैं, और हमने उसमें बनाया भी है वर्कशॉप में और उस मॉड्यूल में, वो बहुत जल्दी सबको सर्कुलेट भी हो जाएगी, जो वर्कशॉप है उसकी वो प्रोटोकॉल है स्वर्ण प्राशन का, तो उसमें सबको सर्कुलेट हो जाएगी कि उसमें हमने रेंज के हिसाब से ले लिया कि इस रेंज से इतने रेंज तक जो है दैट इज सेफ। तो हम कोई जरूरत नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो जाता है तो दैट विल नॉट मैटर मच। तो इस तरह से हम डोजेस यूज कर सकते हैं। अब आई बात इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, जब बात आती है तो मैडम ने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। लेहन हैज बीन इंडिकेटेड फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर हेल्दी बट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रेस्ट फीडिंग एंड आर हैविंग माइनर फंक्शनल प्रॉब्लम्स ऑफ मेटाबॉलिज्म and it is contraindicated in seriously ill and also on the daily basis. Daily bhi lehan nahi karana, but swarna prashan ke liye daily ka mana nahi hai. Swarna prashan ke liye aisa indication nahi hai ki hame use daily neem lena hai, kyunki usme maasat param medhavi aur shadbir maasat shuddhadar kaha hai ki agar ek mahine ke liye hum dete hain to hum usse balak param medhavi hota aur vyadhi vischana grishyate. To lehan ki baat mein to acharya kashyap ne kaha hai ki isko pratidin nahi dena chahiye aur seriously ill mein nahi dena chahiye, to lehan contraindication and indication hai, but swarna bhasm jo hai wo बहुत कम मात्रा में है, उसको डेली दे सकते हैं। एंड ये डिस्कस हमारे सीनियर्स करेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस उसकी करनी है कि नहीं, उसमें रखनी है कि नहीं। देन कंसीडरेशन ऑफ अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेहन के एस्पेक्ट में आचार्य काश्यप ने कहा कि लेहन का के एस्पेक्ट, लेहन देने से पहले अग्नि को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लेहन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन कंडीशंस एंड डिजीजेस वेयर अग्नि डाइजेशन मेटाबॉलिज्म इज affected or decreased, and normally acting agni is essential for digestion of the lehan substance. And failure, agar hum agni ka dhyan nahi rakhenge to aam dosh ki utpatti hogi aur uske karan jo hai wo further kuch bhi aage aam dosh janya vyadhiyan ho sakti hain. Lekin swarna ke bare mein ek bahut achhi baat batai hai ki ye vishapah bhi hai. Then hum abhi aaj jo baat kar rahe hain, that is हमारी कुछ लिमिटेशंस है। आचार्य ने तो कह दिया पत्थर पे घिस के पानी से जो है, और थोड़ा सा पानी लेके और स्वर्ण को धोके, पत्थर को धोके और उसपे स्वर्ण घिस के और उसको चटाना है, तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और सूत्र रूप में कह सकते हैं कि सूत्र रूप में उन्होंने बता दिया। लेकिन आज की डेट में जब हमें हर चीज के एविडेंसेस देने होते हैं, हमें प्रूव करना होता है, तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि हमारी पहली लिमिटेशन यही है जो मैं अभी बात कर रही थी कि देयर इज नो डोज फिक्स फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू वेट और एज। तो हमने ये डिसाइड किया, हमने बैठ के वर्कशॉप में जो है डिसाइड किया था कि जो AFI के रेंज है उस एज रेंज के हिसाब से हम अपने बच्चों में भी उनके अकॉर्डिंग टू एज और वेट जो है हम उसको रेंज को डिसाइड कर सकते हैं। देन देयर इज नो ड्यूरेशन एग्जैक्टली। कुछ लोग कहते हैं 12 साल के बच्चे को भी देना चाहिए, 15 साल के बच्चे को भी देना चाहिए, 16 साल तक देना चाहिए, तो दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो क्योंकि आचार्य ने कहा एक महीने, तो उनका अर्थ जो है वो जन्म से ही है कि एक मंथ में जो है एक महीने के लिए देना है या 6 महीने के लिए, आगे हमें उसको देना है नहीं देना है ये भी फिक्स होना जरूरी है। नो एनी मेथडोलॉजी। आचार्य ने कहा कि पत्थर पे घिसके देना है, लेकिन हमारे पास अभी हम इसीलिए हमारे लिए कन्फ्यूजन है कि हमारी कोई मेथडोलॉजी नहीं कि हमें स्वर्ण भस्म यूज करना है, स्वर्ण पत्र यूज करना है, हमें कैसा स्वर्ण यूज करना है, उसमें मधु कितना मिलाना है, उसमें घृत कितना मिलाना है, ये भी हमारे पास, ये भी हमारी अभी लिमिटेशंस है। देयर इज नो एविडेंस, हमारे पास कोई स्टडीज नहीं है कि हम प्रूव करें कि जो है स्वर्ण भस्म जो है ये हमारे ये जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाता है या मेधा अग्नि बल वर्धनम जो भी है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन आर ऑल्सो नॉट क्लियर, क्योंकि इंडिकेशन तो क्लियर है बट अगर लेहन की बात करें तो, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी काफी कुछ मिसिंग है पार्ट। एंड सेफ्टी इश्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पार्ट है कि सेफ्टी इश्यूज पे भी हम बच्चों को देना है तो सेफ्टी इश्यूज पे भी क्वेश्चन होते हैं। देन कमिंग टू द एविडेंसेस, कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो वी हैव सर्टेन स्टडीज जो कि ये शो करती हैं कि द स्वर्ण जो स्वर्ण भस्म है या स्वर्ण प्राशन है ये इट हैज इफेक्ट ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स। सो अगर हम एक स्टडी देखते हैं, बजाज टाल ने दो स्टडीज की हैं, एक 1999 में और एक 2001 में, एंड ही हैज स्टडीड एंड प्रूव दैट फ्रॉम द स्टडीज फार्माकोलॉजिकल स्टडीज शोड
specific and shows that specific and non-specific responses which were modified in a positive manner in Swarnabhasma treated mice. In Swarnabhasma treated mice pe unhone experiment kiya aur ye bhi unhone prove kiya ki it also had a stimulatory effect on peritoneal macrophages which may be helpful to fight against infections. To dono hi cheeze Swarnabhasma se unhone prove kiya ki it has specific and non-specific immune responses. It showed specific and non-specific immune responses in a positive manner, and it also had a stimulatory effect on peritoneal macrophages, which may be helpful to fight against infections. Also, a study of Sanjay Khedekar in 2016, he also stated that macrophage Swarnabhasma has effect on macrophage stimulation, and it also has immunomodulatory activity, which increases activity, which is proved by increase in serum IgG level. इसी तरह से संजय खेड़ेकर जी ने यह भी प्रूव किया है कि he proved that Swarnabhasma exhibited dramatic immunomodulatory effect in SRBC sensitized rats. Platelet counts were significantly increased in drug treated group compared to the sheep red blood cell group. Swarnabhasma non-significantly influenced T cell activity, which in turn increases vascular permeability, induced vasodilation, macrophage accumulation and activation, and which finally result in the increase in the pore volume, which promotes phagocytic activity. And he also stated that Swarnabhasma produces good humoral response. Histopathological study showed that Swarnabhasma increases cellularity in spleen and lymph node. So, and also other studies also show that the Swarnabhasma or Swarnabhasma has antioxidant effect, and the antioxidant and restorative effects of Swarnabhasma in rats have been studied. Indicated two antioxidant enzyme superoxide dismutase and catalase were estimated after oxidative insult with acetic acid in Swarnabhasma. Another examination achieved that high aspect ratio gold नैनो रॉड्स कैन एक्ट एज सक्सेसफुल एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल एजेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स पे तो Swarnabhasma का इफेक्ट तो है ही, साथ में एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी है इसकी, साथ में और स्टडीज भी हैं जो दे प्रूव दैट इट हैज इफेक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन, एंड स्टडीज शो दैट गोल्ड डिमिनिशेस द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन एज वेल एज एनहांसेस द एबिलिटी टू फोकस. Gold can have balancing and harmonizing effect on harmonizing effect on the body, especially with regards to unstable mental and emotional state. Aur dusri study ye bhi bata rahi hai ki it is supposed that nanometer sized particles in colloidal gold affect charges that are produced in neurons. It enhances the normal communication that takes place between the nerve cell, and this study was proved by Mitra. So, हम ये कह सकते हैं कि Swarnabhasma का जो है वो इसकी भी स्टडीज प्रूव, ये भी एस्टैब्लिश हो गया कि इट हैज इफेक्ट ऑन द ब्रेन फंक्शंस. साथ में द फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग एक्टिविटी भी है, इसकी स्टडीज प्रोवाइड करती हैं एविडेंसेस कि इसकी फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग एक्टिविटी भी है. और एक बात मैं बहुत बताना चाहती हूँ कि जैसे आचार्य ने कहा कि जन्म के बाद हम तुरंत, हमें जैसे बालक जन्म लिया तो हमने Swarnabhasma कराया, तो इन स्टडीज के आधार पे जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल स्केवेजिंग एक्टिविटीज जो है, इन रेफरेंसेस, इन एविडेंसेस के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कहीं ना कहीं स्केमिक जो है या हाइपोक्सिया के कारण कुछ ना कुछ तो उसको स्केमिक जो है, शीमिया जो है, और जो है वो एस्फाइक्सिया के कारण, बर्थ एस्फाइक्सिया के कारण उसका कहीं ना कहीं अगर माइनर या मेजर कुछ भी अगर डैमेज होता है दैट कैन बी चेंज्ड और उसको मॉडिफाई कर सकता है हमारा Swarnabhasma. और इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि जैसे बालक जो प्रसूति क्लेशित बालक है, तो प्रसूति क्लेशित बालक को अगर हम तुरंत हम Swarnabhasma देते हैं तो उसका इस एस्पेक्ट में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी हो रहे हैं, या हम बहुत सारे बच्चों को ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी हम बहुत देख रहे हैं, तो सेरेब्रल पाल्सी में भी अब कुछ एक हद तक, एक लिमिट तक हम बच्चे को अगर हम Swarnabhasma उस समय कहते हैं तो इट कैन जो ड्यू टू इट्स फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग एक्टिविटी है उसके कारण जो है ये डैमेज को रोक सकता है, जो भी इंसल्ट है उस समय बर्थ के टाइम, या तो उसको हम वो उसको रिवर्ट कर सकता है, उसको रोक सकता है, तो उसका इस तरह का इफेक्ट है. और साथ में जो भी हम इसका जो ब्रेन पे फंक्शंस हैं
वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें जन्म के टाइम देने के लिए देने का यही एक उद्देश्य हो सकता है कि टाइम पे उस समय जो भी डिलीवरी से प्रसूति क्लेशित बालक है, डिलीवरी से जो भी एग्जॉस्टेड बेबी है, उसमें हमें स्वर्ण भस्म देना ही चाहिए जन्म के समय, और उसके बाद उसके प्रॉपर जो ब्रेन ग्रोथ है या प्रॉपर उसके इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करें या जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो उस समय भी हम उसका मतलब उसको फिर हम रेगुलर अगर हम एक महीने तक या छह महीने तक देते हैं तो उसको उसका उद्देश्य जो है वो फुलफिल हो जाता है। देन ये फ्री रेडिकल स्केवेंजिंग के लिए और भी स्टडीज हैं, लाइक एक है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस इंडिकेटेड दैट स्वर्ण भस्म कंटेन नॉट ओनली गोड। अब जब हम भस्म बनाते हैं तो बहुत सारी प्रोसेसें होके गुजरता है, तो उसमें ये भी जो उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस हुई उसमें पता चला कि स्वर्ण भस्म में ना ही केवल गोल्ड है बल्कि उसमें आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाकी और सारे भी माइक्रो एलिमेंट्स भी हैं। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी शोड दैट द मटीरियल was free from organic compound, जो वो organic compound से free था, and the metal content in the भस्म was determined by atomic absorption spectrometry। और इसके बाद उन्होंने बताया कि acute oral administration of स्वर्ण भस्म showed no mortality in mice। और हमने जो acute toxicity study की up to 1 ml per 20 gram body weight of स्वर्ण per body weight स्वर्ण भस्म ने दिया इनमें जो रैट्स में दिया, तो उसमें जो है there was no toxicity and chronic administration of स्वर्ण भस्म also showed no toxicity as does by SGPT, SGOT, serum creatinine and serum urea level and histological studies। इसी तरह से chronic स्वर्ण भस्म treated animal showed significantly increased super oxide dismutase and catalase activity, two enzymes that reduce free radical concentration in the body। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी कर रहा है। क्रोनिक अगर हम मतलब 1 month या 6 month तक अगर स्वर्ण भस्म इमीडिएट हम अगर देते हैं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी है ये उसको रिवर्ट करता है जो डैमेज है उसको, और साथ में अगर हम क्रोनिक स्वर्ण भस्म ट्रीटमेंट करते हैं 1 month या अप टू 6 month जो है तो भी उसमें जो है उनमें जो ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो है सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज एंड कैटालेज जो है ये एंजाइम्स भी मिलती हैं उसके कंसंट्रेशन में, एंड उनका फंक्शन क्या है दे रिड्यूस फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन इन द बॉडी। फिर एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी है इसमें, दिस हैज आल्सो बीन प्रूव्ड। एंड हम जब मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि हमें कैसे देना है, चटाना है, ड्रॉप फॉर्म में देना है या हमें टैबलेट फॉर्म में, अभी एक दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का है कि टैबलेट फॉर्म में हम दे सकते हैं, तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं जिनका रेंज जो है 28-35 नैनोमीटर्स, दे एग्जिबिट साइज डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन थ्रू रैट स्किन एंड इंटेस्टाइन। तो ये रैट स्किन से भी एब्जॉर्प्शन होता है इनका एंड इंटेस्टाइन से भी इनका एब्जॉर्प्शन देखा गया है। फिर ऑल्सो दिस एक और स्टडी बाई बथेजा पी एट आल 2007 में उन्होंने ये स्टडी की, इन्वेस्टिगेट किया कि जो नैनो पार्टिकल कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब थ्रू सबलिंगुअल रूट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं थ्रू रेड स्किन भी है, थ्रू इंटेस्टाइन भी है एंड थ्रू सबलिंगुअल रूट से भी इसका जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो सो मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो बेस्ट है एंड फास्टेस्ट रूट इज द सबलिंगुअल रूट, और इसीलिए हम लेहन की बात करते हैं कि लेहन के द्वारा भी हम बच्चे को तो कुछ तो सबलिंगुअल और कुछ ओरल जो है वो जा सके। कुछ ब्लड कंपैटिबिलिटी स्टडीज भी हैं कि जो साइज ऑफ 28-35 नैनोमीटर एंड वाज 90% प्योर, जो नैनो पार्टिकल्स थे वो 90% प्योर थे एंड दे डिड नॉट इंड्यूस एनी ब्लड सेल एग्रीगेशन और एनी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। ये भी उन्होंने जब ब्लड कंपैटिबिलिटी स्टडी हुई है तो उन्होंने ये भी चीज प्रूव कर दी कि कोई ब्लड सेल एग्रीगेशन नहीं क्रिएट करता स्वर्ण भस्म और वो कोई भी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नहीं क्रिएट करता। दिस जो भी स्वर्ण भस्म था वो दैट वॉज नॉन टॉक्सिक एंड जो कुछ टाइट सेल जंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में तो उसको भी ये ओपन कर देता है जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो ईजी हो जाता है। अब सबसे बड़ा इशू है सेफ्टी इशू, इस पे जो है क्वेश्चन ज्यादा होते हैं कि क्या बच्चों में मेटल है, ये सेफ है नहीं है, कैसा सेफ है। तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो स्टडी बाई मित्रा एटाल ने कहा है कि एक्यूट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स फॉर 8 weeks ऑन एल्बिनो माइस 1 ml per 20 gram body weight per day of स्वर्ण भस्म had not reported any toxic as assessed by
लिवर फंक्शन टेस्ट एंड हिस्टोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी 8 वीक्स तक भी हम देंगे तो इट इज सेफ इन द डोज जो है। एंड फिर उसके बाद जो है दूसरी स्टडी जो है भाई राहुल सिंघानिया जो है उन्होंने उनके द्वारा की गई कि ही हैज स्टडीड दैट एविडेंस बेस्ड सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदिक हर्बो मेटालिक प्रिपरेशन कंटेनिंग गोल्ड आयरन एंड मर्करी विथ स्पेशल रेफरेंस टू पीडियाट्रिक्स। उन्होंने ये स्टडी की और पीडियाट्रिक में एक पहली स्टडी है कि जो कुछ हर्बो मिनरल कंपाउंड्स एंड प्रिपरेशन है गोल्ड के आयरन के और मर्करी के। एंड उन्होंने ये स्टडी की कि देयर वाज नो एनी एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज फॉर्मुलेशंस। इनमें से किसी भी फॉर्मुलेशन का कोई टॉक्सिक इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं था और ये पीडियाट्रिक स्पेशल जो है वो स्टडी थी और इसमें भी उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो नहीं पाई गई। फिर इसी तरह से प्रलवी श्रीरंग जमदग्नि की स्टडी थी 2015 में, उन्होंने भी इन्होंने टॉक्सिसिटी ऑफ स्वर्ण भस्म एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेनिंग गोल्ड इन विस्टा रेस्ट ये किया और स्टडी इंडिकेटेड दैट 13.5 mg पर केजी बॉडी वेट एज नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल फॉर स्वर्ण भस्म इन विस्टर रेट जो है ये था मतलब मिला जो मैक्सिमम जो जिसपे की सेफ रेंज हम कह सकते हैं 13.5 mg। सो ये मान सकते हैं कि पार्टिकल साइज इज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन दिस इन दिस स्वर्ण प्राशन। फिर ये स्टडीज स्टडी बाय वेरियस अदर रिसर्चर्स लाइक कासनी एस एटाल एंड अदर मित्रा एटाल दे हैव प्रूव दैट प्योर गोल्ड एश स्वर्ण भस्म हैज नॉट शोन एनी साइटोटॉक्सिसिटी। एंड बट अभी हम बात करेंगे, इतनी हमने बात कर ली, बट अब हम जब देखते हैं कि रस तरंगणी में जो है हमारा जो अपना क्लासिकल टेक्स्ट है रस तरंगणी इन 15th तरंग कि इन रस तरंगी इट हैज बीन डिस्कस्ड दैट विदाउट एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग इट विल डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड इट विल लीड टू मैनिफेस्ट एंड इवन डेथ। So we have to be much cautious and much alert. हम ये कह सकते हैं vigilant. We should remain much vigilant कि जो भी हम स्वर्ण भस्म भी अगर हम use कर रहे हैं तो वो हम अच्छी तरह से prepared हो with proper processing जो कि हमारी संहिताओं में बताया गया है उस proper processing के बाद हम उसको use करें या कोई अच्छी pharmaceutical company से जो कि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं उनके द्वारा ही ली गई स्वर्ण भस्म हमें यूज करनी है। जो पुरानी स्टडीज हैं उन्होंने शो तो कर दिया कि कोई साइटोटॉक्सिसिटी नहीं है बट रस तरंगिणी में ये मेंशन है तो हमें ध्यान भी रखने वाली बात है, ध्यान हमें रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनैलिटी ऑफ स्वर्ण प्राशन इन चिल्ड्रन। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमें स्वर्ण प्राशन कराते समय। अब एक स्टडी को मैं कोट करूंगी, मेरे द्वारा मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में एक स्टडी की गई थी स्वर्ण प्राशन पे एज एट एमडी लेवल एंड वन स्टडी इज गोइंग ऑन एट पीएचडी लेवल। तो आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट लुक ऑन दैट कि देयर स्टडी वाज एम्ड एट टू डिक्रीज द मॉर्बिडिटी स्टेटस इन चिल्ड्रन विद द ट्रायल ड्रग एंड टू स्टडी द इम्यूनो मॉड्युलेटरी इफेक्ट ऑफ द स्वर्ण प्राशन। एंड इन दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड एट NIA जयपुर एंड स्टडी टाइप वॉज रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड इन विच 60 पेशेंट कम्प्लीटेड द ट्रायल एंड चिल्ड्रन बिटवीन एज बिटवीन 6 months टू 5 years ऑफ आइदर सेक्स वर इंक्लूडेड इन द स्टडी एंड चिल्ड्रन विथ रेकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, चिल्ड्रन विथ रेकरेंट GIT इन्फेक्शंस एंड चिल्ड्रन विथ रेकरेंट फीवर एंड चिल्ड्रन विथ रेकरेंट अदर डिजीजेस were included in the studies and the children suffering from major systemic illnesses necessitating long-term treatment were excluded from the study. Subjects with evidence of malignancy, subjects with concurrent serious hepatic function agar kisi mein hai, dysfunction hai ya renal dysfunction hai, they were excluded from the study and certain comorbidities like tuberculosis, UTI and bleeding disorders are also excluded from were also excluded from the study and history if anybody is having history of hypersensitivity to any of the trial drug
or their ingredients were also excluded, and subjects who have completed participation in any other clinical trial during the past 6 months were also excluded from the study. And here we have used, now we have not used a plain grit, we have used Brahmi grit, Madhu and Swarn, and in Madhu and grit was used in asaman matra in equal amount, and Swarn was also used, and we have taken that two-third part of the content was Madhu and one-third part of the content was grit, and Swarnabhasma was about 1/400 part as this, as calculated by from the, we have in this study we have calculated the dose according to the Ras Tarangani, and the proposed drug was given as 0.1 to 0.2 mg per kg per day, means that we use a dose range 0.1 to 0.2 mg kg per day or one drop per kg per day for 4 weeks, for 28 days we use this. And there was two groups, one was a trial group, and in the second control was only no treatment concurrent control. Total registered patient were there, and the assessment criteria was done on the based on the clinical features and laboratory findings, and the clinical parameters included running nose frequency, running nose means recurrent features of the recurrent respiratory infections, and features of the recurrent GIT and fever. Clinical assessment was done on the basis of presenting features on 4-point scale. Morbidity score was calculated on the basis of by the formula. Morbidity score was calculated as incidences in the last 3 months multiplied by the severity, and hematological parameters included serum IgG, hemoglobin, TLC, neutrophil, lymphocyte count, eosinophil count, and ESR. And this table graph shows the percentage improvement in both the groups. One was no treatment concurrent control, and the second was the trial group. And we can see that there was significant increase in serum IgG level, HB percentage, and decreased the ESR at statistically extremely significant level. And post-treatment follow-up showed sustained effect of the drug, and there was no adverse effect of the trial drug was observed. Now this have shown that we are preparing the Swarnabhasma in our department. And something, some answers I want to give, that there is a question that about monthly, there are certain practices that we use on, we administer or we provide Swarnabhasma on every Pushya Nakshatra day. So according to my view, the providing or giving Swarnabhasma on Pushya Nakshatra day is because of actually what happens. There are certain views of different experts in of Swarnabhasma, but in my view, it is just only for the awareness of the people or the awareness of the community. Giving only single day does not perform any major or significant effect. So actually, there is a need to give awareness among people in community, like for Ayurveda, that Swarnabhasma is something that. So for giving awareness in the community, we used the day of the Ayurveda people. We हम लोग पुष्य नक्षत्र जो है वो उसको देखते हैं कि ऑस्पिशियस कोई डे हो. ऑस्पिशियस डे के दिन हमें देना है प्रत्येक माह, तो हम ऑस्पिशियस डे के दिन हमने एक दिन चुन लिया कि हमें पुष्य नक्षत्र को देना है, और उस दिन हम मास बच्चों को, बहुत सारे मास में बच्चों को हम देते हैं. उसका एक पर्पज यही हो सकता है कि हम पब्लिक में अवेयरनेस प्रदान करें कि हाँ कुछ हम करते हैं, हमारे पास स्वर्णप्राशन है. और फिर अब ये मेरे व्यू से है कि वैसे अगर हमें स्वर्णप्राशन देनी है बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसको हमें डेली बेसिस पे ही देना होगा. एंड हम जितना जल्दी स्टार्ट कर सके, जैसे बर्थ के बाद ही हम अगर स्टार्ट करें, तो वो बर्थ से, सिंस बर्थ हो तो उसके बहुत सारे मल्टी लेवल एक्शंस हैं, वो सारे एक्शंस जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, सारे एक्शंस जो हैं, क्योंकि ब्रेन ग्रोथ जो बच्चे में है वो होती है अप टू 2 ईयर्स मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ हो जाती है. तो उस समय हम अगर कुछ इंटरवेंशन देते हैं तो उसका मैक्सिमम इफेक्ट होगा. जन्म के बाद जैसे कि मैंने बताया बर्थ एस्फाइक्सिया है, तो उस समय क्या है कि बच्चे को जो जो इस्केमिक डैमेज हो जाता है उसके ब्रेन में, अगर कुछ ऐसे डैमेज हो गए जिसके कारण आजकल परसेंटेज जो है, परसेंटेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी जो है वो ज्यादा मिलता है, परसेंटेज ऑफ जितने मेंटल हेल्थ के, मतलब जो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ऑटिज्म है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इन सब चीजों को हम रोक सकते हैं.
हम प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स के थ्रू इन सब चीजों को रोक सकते हैं, और उसके उसका उनको रोकने का एक सबसे बड़ा माध्यम जो है वो स्वर्णप्राशन है, जिसको हम अगर टाइमली स्टार्ट करें तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रिंसिपल सर जेपी चौरसिया सर, उज्जैन कॉलेज के प्रोफेसर जेपी चौरसिया सर को, और प्रोफेसर वीपी व्यास सर को, प्रोफेसर महेश शर्मा सर को जिन्होंने, और मैडम गीता, मैडम ज्योति सॉरी गीता जाटो मैडम को, रितेश वर्मा को, रोहित सिंह को, सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, सभी को धन्यवाद। सुनाई दे रहा था क्या? हेलो डॉक्टर रितेश गीता मैम, हाँ यस थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम गीता मैम, हेलो प्रिंसिपल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर रितेश को मिला था गीता मैम, बोल मैम की आवाज नहीं आ रही है गीता मैम, प्लीज कंटिन्यू। मैं आज के मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर निशा ओझा जी, हमारे बहुत ही और सत्येंद्र जी तिवारी जी, आपकी वजह से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, और कल्पना मैडम जो कि हमारे गुरुतुल्य हैं, आप दोनों का हमारी संस्था बहुत बहुत स्वागत करती है, और उज्जैन आइएगा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रितेश आवाज आप आ रही थी ना रितेश? यस मैम, यस मैम, यस मैम आ रही है, आप बोलिए प्लीज। हमको कंटिन्यू करती हूँ, हम हमारे मुख्य द्वारा जो व्याख्यान दिया बहुत लगित है कि जितने भी श्रोता इसको सुन रहे हैं जरूर लाभान्वित होंगे, तो इसके आगे हम मिशन आवर सेशन है, तो जिस जिस किसी को जो भी कोई क्वेश्चन है या आकर करना हमारी समस्या परिसर में वो कर सकते हैं, इसके लिए आगे की कार्यवाही डॉक्टर रितेश कुमार वर्मा देखेंगे क्वेश्चन आवर। डॉक्टर रितेश थैंक यू मैम, ये कुछ क्वेश्चंस मैम कल्पना मैम से हैं, कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर निशा मैम से हैं। हाँ हाँ जी 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 हाँ मैम, एक पार्टिसिपेंट्स ने पूछा, वैद्य आनंद हैं ये मोरे, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ घृत एंड मधु इन स्वर्ण प्राशन, व्हाट वाज विद द आइडियल क्वांटिटी? हमने तो आइडियल क्वांटिटी तो कहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन विरुद्ध आहार की जहाँ पे बात हुई है तो समान मात्रा में मधु और घृत का प्रयोग नहीं कर सकते, असमान मात्रा में बताया हुआ है, तो हमने यहाँ पे जो क्वांटिटी लिया है 1:4 का लिया हुआ है, 1 डोज ऑफ क्वांटिटी ऑफ घी एंड 4 हनी। यस मैम, थैंक यू मैम। Then there is one another question by Dr. Rahul Jain. Ma'am, he is asking that approximately what would be the dose of Swarnaprashan in milligram recommended by Shastra? जैसे अभी नेशा का लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी लिमिटेशन हमारे लिए होती है, ठीक है, तो आयुर्वेद में ऐसे भी पीडियाट्रिक कुमार गुप्त में डोज फिक्सेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन जो जो हर्बल औषधि है उसके लिए भी डोज फिक्सेशन करना मुश्किल होता है, जैसे एक महीने में एक रख के बताए, फिर ऐसे एक साल में एक मास बताए, ऐसे करके, तो हमने जहाँ पे डोज फिक्सेशन की बात हुई तो क्लर्क रूल्स फॉलो किया हुआ है, और क्लर्क रूल्स के मुताबिक जैसे कि सारंग दर संहिता, रसतरंगी संहिता, ऐसे उन्होंने एडल्ट डोज बताया हुआ है, तो एडल्ट डोज जो होता है उनका 20 mg है, तो उसकी को वेट के मुताबिक पर रूल के मुताबिक हमने कन्वर्ट करके उसी को डोज को लिया है, तो बच्चों में पर डे उसमें जो 0.2 mg लिखा जाता है। ओके, यदि 30 days हम देते हैं बच्चों में, 1 month के लिए देते हैं, तो 0.2 mg जितना बच्चों के शरीर में उसमें जाता है विद मधु और ग्रुप के साथ। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। मैम देयर इज वाज वन क्वेश्चन बाय डॉक्टर पारुल कौशिक,
शी वाज आस्किंग दैट सीपी के पेशेंट में स्वर्णप्राशन कराना चाहिए या इसका कुछ लाभ है, ये आपका एक्सपर्टीज है मैम। मैं जैसे कि क्लासिक्स में बताया हुआ है कि व्याधि भी नतस दृश्यते, व्याधि उत्तर में नहीं होता है, लेकिन सुवर्ण प्राशन में प्रमोटिव है हेल्दी पर्सन के लिए, प्रिवेंटिव के लिए। लेकिन जैसा अभी लास्ट में सुवर्ण पे बहुत सारे स्टडीज हुए, सेफ्टी वर्क भी हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन भी हुआ है, कि उन्होंने जो बताया कि यदि सुवर्ण प्राशन फ्रॉम बर्थ देते हैं तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता है, यदि होता है तो वो करेक्ट हो जाता है। तो इसी सर्टन कंडीशन में यदि हम फ्रॉम बर्थ करते हैं तो सीपी डेवलप नहीं होगा, ऑटिज्म डेवलप नहीं होगा, एनी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सपोज बर्थ एस्पेक्सिया हो, हमको पता है कि बर्थ एस्पेक्सिया हुआ है तो तुरंत ही हमको सुवर्णप्राशन शुरू कर देना है। तो बर्थ एस्पेक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है वो लेटर एज में न हो जाए, तो इसीलिए हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सीपी में देने से कितना फायदा होता है वो हमने वर्क किया नहीं है, और डिसीज कंडीशन में सुवर्णप्राशन देना मैं चाहती भी नहीं हूँ। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर निशा मैम। यस मैम, मैं एक डॉक्टर राहुल भावना दुबे ने पूछा है मैम कि अष्टमंगल घृत का प्रयोग कर सकते हैं क्या स्वर्णप्राशन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक्चुअली हम जब लेहन की बात करते हैं तो स्वर्ण उसका एडेड इफेक्ट होगा कि अगर हमने स्वर्ण प्राशन में सिर्फ मधु और घृत को मिला के दे दिया, तो मधु और घृत मिलाने की इंडिकेशन है ही कि हमें मधु भी मिलाना है और घृत भी मिलाना है, तो हम घृत की जगह अगर हम अष्टमंगल घृत करते हैं तो वो भी लेह अध्याय में और लेहन के लिए इंडिकेटेड है, तो हम उसका एडेड इफेक्ट ले सकते हैं कि हम कोई भी मेथी द्रव्य ले सकते हैं और साथ में स्वर्ण भस्म ले सकते हैं, कोई भी घृत ले सकते हैं उसके साथ। हम जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ स्वर्ण वचा योग, ये स्वर्ण वचा भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, इस तरह से हम घृत फॉर्म में भी, क्योंकि घृत जो अगर हम थोड़ा सा ये लेके चलें कि अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम लेना चाहते हैं तो उसमें और बेटर ही रहेगा अष्टमंगल घृत, क्योंकि उसका जो है उसमें काफी और भी द्रव्य है, मेधी द्रव्य है, तो वो यूज कर सकते हैं। ये अपने ऊपर है, आप किसी भी ब्राह्मी घृत को लेके लोग यूज करते हैं, हमने ब्राह्मी घृत को लिया, कुछ लोग जो है स्वर्ण वचा लेके यूज करते हैं, कुछ अष्टमंगल भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, बस डोजेस का हमें ध्यान रखना है कि कितने डोज में हमें देना है। यस मैम, यानी कि ये फायदेमंद ही रहेगा अगर हम केवल मधु और घृत की जगह अष्टमंगल घृत का प्रयोग करें। मैम एक क्वेश्चन और है, डॉक्टर रचना अग्रवाल ने पूछा है कि अगर स्वर्णप्राशन स्टार्ट करने के बाद अतिसार या ज्वर हो जाए तो क्या स्वर्णप्राशन जारी रखना चाहिए या उसको स्टॉप कर देना? नहीं, कुछ दिन तो रोकना चाहिए, हमें देखना है। एक्चुअली हमने अभी एडीआर जो है हमारे, कोई रिपोर्टेड अभी एडीआर नहीं है और कोई स्टडी भी नहीं है ह्यूमन पे कि इस तरह से कि ज्वर हो जाए या अतिसार हो जाए, तो वैसे तो लेहन में मना है कि ज्वर अतिसार में ना दे हम, लेकिन इसमें भी हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए, बेटर होगा। यस मैम, मैं एक क्वेश्चन ये पूछा एक पार्टिसिपेंट ने कि कम से कम स्वर्णप्राशन कब तक कराया जाना चाहिए? अब मेरे अगर हम कब स्टार्ट करते हैं, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन कि हम कब स्टार्ट करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हमें, मतलब मेरी रिकमेंडेशन है कि हम सिंस बर्थ स्टार्ट करें, किसी कारण से लेट हो गया तो हम बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कायदे से जो है मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बर्थ से स्टार्ट करके 1 month या अप टू 6 months दे सकते हैं, देना चाहिए अगर हमने बर्थ से स्टार्ट किया। अगर हमने बाद में स्टार्ट किया तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 साल तक भी कर सकते हैं, बट देर इज नॉट, दिस इज नॉट स्टडीड या फिक्स्ड, ये मैं एविडेंस बेस्ड नहीं कह रही हूँ, ये जस्ट मेरा मत है कि इट विल बी बेनिफिशियल, तो और मात्रा भी कम है और उसका ऐसा कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो हम उसको कुछ ज्यादा दिनों तक दे सकते हैं, लेकिन अगर लेट भी स्टार्ट किया है तो 6 months इज सफिशियंट, और मैक्सिमम अगर हम जाना चाहें तो 1 month, उससे ज्यादा हम देने की आवश्यकता नहीं कि हमने जन्म से 12 साल तक हम स्वर्ण भस्म ही देते जा रहे हैं, तो वैसे तो स्वर्ण रसायन है, इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेडिसिन है तो उसको मैक्सिमम 6 months या 1 year तक दे तो ज्यादा सही रहेगा। थैंक यू मैम। निशा मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। डॉक्टर लोकेश बताएं। लोकेश बोल रहा हूं। हां, डॉक्टर लोकेश बताएं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा था, प्लीज बताएं प्लीज। मैम जब हम मधु और घृत अनइक्वल लेने की बात कर रहे हैं स्वर्ण प्राशन के लिए, हम उसको इक्वल अमाउंट पे क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअली दोनों, दो जगह का नॉर्थ जो है और साउथ में यही
वेरिएशंस है उनके थॉट्स में। जैसे नॉर्थ वाले हम कहते हैं कि हमें सिद्धांत में कहा है कि मधु घृत जो है समान मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, वो विष होता है, ठीक है। तो ये एक एक थॉट है। और साउथ में है कि वो कहते हैं कि हम विष ही देंगे जिससे कि एंटीबॉडीज जनरेट हो बच्चे में स्टिमुलेशन के लिए, जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। तो एक्जेक्टली मैम, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंस पे कहीं भी ऐसा नहीं आया है, क्योंकि जहां भी हमारी क्लासिक्स की बात होती है तो उस क्लासिक्स में क्लियर कट इंडिकेशन आ जाता है कि हमें इक्वल लेना है अनइक्वल लेना है। यहाँ जब अनुक की बात होती है, जब वहां उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो मेरा थॉट ये है कि हम उसको इक्वल अमाउंट में ले, क्योंकि हमें एंटीजेंसिटी जो है एंटीबॉडी एंटीजेन प्रॉपर्टी को डेवलप करना है, तो मेरा मानना है। इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्कशॉप हुआ उसमें क्या इस पर डिस्कशन हुआ था कि हमें इक्वल लेना है या अनइक्वल लेना है। बिल्कुल, इस पर डिस्कशन भी हुआ था, और वर्कशॉप में तो अनइक्वल पे ही ज्यादा सभी का मत था कि हमें अनइक्वल ही लेना है। कि अभी क्योंकि उसमें देखो जो भी हमने वो देखिए आप, कि जब भी आचार्य काश्यप ने कहा कि पत्थर पे घिसके लगाना है देना है, उन्होंने कोई भी मार मतलब अनुक्त मात्रा ही कही है, लेकिन फिर भी हम जहाँ शास्त्र में पढ़ते हैं कि वो विष समान है, ये कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ना तो वो कॉन्सेप्ट अभी प्रूव्ड है, देयर इज अ नीड ऑफ स्टडी, और हमने अभी स्टडी करनी शुरू भी की है कि इक्वल मात्रा में जो मधुकृत और स्वर्ण मिला के जो है स्वर्ण भस्म, उसकी एक अलग से हम उसकी फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे, और एक है जो अनइक्वल मात्रा में भी हम करेंगे। तो इस तरह से दो स्टडीज की आवश्यकता है, जब तक प्रूव ना हो जाए ठीक है। वहां से भी वो लोग भी स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं जिन्होंने समान मात्रा में दिया, उसमें भी कोई अभी तक कोई ऐसा कोई ADR या कोई हार्म इफेक्ट मतलब रिपोर्टेड नहीं है, और हम भी कर रहे हैं उसमें भी कोई रिपोर्टेड नहीं है, बट विच वन विल बी बेटर, देयर इज अ नीड ऑफ स्टडी। कि कुछ हम कोई ट्रायल करें या कोई स्टडी करें तभी हम अगर कह सकते हैं। दोनों ही व्यू सही है। वर्कशॉप में ये इस पे ज्यादा मत था सभी लोगों का कि अनइक्वल मत हो, अनइक्वल मात्रा में ही हमें लेनी है, और बाकी स्टडी करेंगे। और ये इन प्रोसेस है कि हम एक बार स्टडी करके भी, हम ऑथेंटिकेशन इज इम्पोर्टेंट, ऑथेंटिक एक बार हम इस तरह की स्टडी कर लें कि दोनों का क्या इफेक्ट आ रहा है, दोनों की क्या एफिकेसी है, या दोनों का इफेक्ट क्या है, तब हम डिसाइड कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे कि किसको ज्यादा कौन सी ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति का अपना मत है, उस हिसाब से इज फ्री टू प्रैक्टिस, या जो भी करना है वो कर सकते हैं। डॉक्टर लोकेश, इसका जवाब एक साल में मिल जाएगा मेरे हिसाब से। yes, हम काम कर रहे हैं इस पे, तो वो ज्यादा सही रहेगा कि हम ऑथेंटिक बात करें। एक सजेशन मेरा और भी था, जैसे कल्पना मैम ने बोला था कि प्योर मोगरीत का यूज करने के लिए, और आपने बोला कि हम किसी भी मेडिकेटेड गिफ्ट का यूज कर सकते हैं। यस मैम, थोड़ा सा यदि इस बात पे यदि एक इसको कि अनइक्वल और इक्वल अमाउंट पे, तो एक सजेशन मेरा ये भी है कि व्हाई नॉट हम ये देखें कि भाई ड्रग इंट्रैक्शन की जब बात हम करते हैं, तो क्या हम जो मेडिकेटेड घृत के साथ यूज कर रहे हैं और गोघृत के साथ यूज कर रहे हैं उसमें ड्रग इंट्रैक्शन देखें। ये मेरा एक सजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्लाइंड है। ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए, चूंकि आप लोगों के पास रिसर्च कराने का फैसिलिटीज है, हम लोगों के पास नहीं है, तो इस पे ये कर सकते हैं। ये मेरा एक बिल्कुल डॉक्टर लोकेश, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। मेरा कहना यह है कि वो डॉक्टर भावना ने जो पूछा था कि अष्टमंगल घृत यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, बट फिर भी मेरी अपना एक और मत ये है कि करते तो हैं, और हम कॉम्बिनेशन करके स्टडी भी करते हैं कि हम अगर ब्राह्मी घृत के साथ करें और केवल स्वर्ण लें, या हम स्वर्ण वचा लें और खाली स्वर्ण भस्म लें, जैसे मैडम कल्पना के यहाँ हुई हुई है स्टडी कंपेरेटिव की, स्वर्ण भस्म एंड स्वर्ण वचा योग, इस तरह से स्टडी की है कि ड्रग इंट्रैक्शन की क्या स्टडी, जामनगर में ज्यादा स्टडी हुई है, तो बेटर इसका आंसर मैडम कल्पना दे सकती हैं। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि ओरिजिनलिटी को हम रहने दें, जहां हम स्वर्ण प्राशन की बात करें तो हम सिर्फ घृत मधु ही यूज करें, और जहां हम लेहन की बात करें तो हम कोई भी घृत यूज कर सकते हैं, लाइक अष्टमंगल हो चाहे ब्राह्मी घृत हो। तो अभी स्टडीज प्रोग्रेस में है, हम करेंगे। डॉक्टर लोकेश आपका सुझाव अच्छा है, हम उसको आगे इस तरह की स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव की ड्रग इंट्रैक्शन भी कुछ होता है कि नहीं, मौलिकता रहनी चाहिए। अगर हम स्वर्ण प्राशन यूज कर रहे हैं तो हमें मधुघृत ही यूज करें, और बाकी अदर पर्पस के लिए अगर हम लेहन यूज कर रहे हैं तो अष्टमंगल भी यूज करें। लेकिन लोग यूज कर रहे हैं आजकल सिंगल स्वर्ण भस्म को, सिंगल घृत और मधु के साथ नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें मधु स्वर्ण वचा यूज कर रहे हैं, या फिर आचार्य सुश्रुत ने तो खाली स्वर्ण बताया नहीं, उन्होंने स्वर्ण के जो भी योग बताए उसमें कुछ ड्रग्स की कॉम्बिनेशन बताई है, चार जो स्वर्ण के योग बताए हैं उसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन भी ड्रग की कही है। तो इस बेसिस पे तो हम अष्टमंगल घृत भी यूज कर सकते हैं, या हम उन चारों घृत की भी जो चारों योग है उसकी भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं।
तो अभी शुरुआत है, चल रही है काम। हम एक साल दो साल में हम सब कुछ ऑथेंटिक करके और एक कह सकते हैं एक बेंच पे हम बात करने लायक रहेंगे एविडेंस बेस्ड। और मैडम कल्पना इसका अच्छा आंसर दे सकते हैं क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारी स्वर्ण प्रश्न की स्टडीज हुई हैं, कॉम्बिनेशन से भी हुई हैं, कंट्रोल में भी हुई हैं, तो वो ज्यादा आंसर देंगी। मैडम कल्पना से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर लोकेश का आंसर दे दें। थैंक यू मैम। यस कल्पना मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जैसे लोकेश ने बताया कि मधु ग्रुप इक्वल क्वांटिटी में करना चाहिए, तो मैंने पहले मेरे लेक्चर में बताया था 1981 में प्रोफेसर सीएचएस शास्त्री सर का उनका थीम वही था, पर्पस वही था कि शास्त्र में विरुद्ध आहार इक्वल मात्रा में मधु ग्रुप का बताया हुआ है, तो हम उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके देख ले। तो वो जो स्टडी सबसे पहले डॉक्टर कामत की हुई थी वो इक्वल मात्रा में हुई थी मधु एंड ग्रुप, लेकिन उसी टाइम पे रिसेंट एडवांसमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो सिर्फ सब्जेक्टिव पैरामीटर में दिया है, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और दूसरी बात मैं करूँ कि जो उसके बाद हमने सुवर्ण बच्चा का जैसे डॉक्टर निशान बताया वो स्टडी किया था, स्टेप बाय स्टेप हमने हमारा भी स्किल है, नॉलेज है, इम्प्रूवमेंट किया। तो सुवर्ण प्राशन में सुवर्ण भस्म लिया क्योंकि वो बहुत ही अप्रोप्रिएट लगता है, सबने एक्सेप्ट किया हुआ है। और दूसरी बात की मधु और गुड इक्वल मात्रा में लेते थे तो बहुत सारा एथिकल प्रॉब्लम आता था। तो एथिकल इश्यू में जब से आईईसी शुरू हुआ तो एथिकल इश्यू में बहुत ही प्रॉब्लम होता था कि आपके शास्त्र में मना किया हुआ है, फिर भी उनको हमने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वो सब पूरी थियोरी उनकी समझाई। तो एथिकल कमिटी में मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न पीपल रहते हैं, यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट वो सब रहते हैं, पीडियाट्रिशियन है, मेडिसिनल फिजिशियन होते हैं, तो उनको अपनी थियोरी पे कुछ हो सकता है कि डाउटफुल लगा होगा। और आपने देखा कि बहुत सारा रिसर्च वर्क मॉडर्न में हुआ है सुवर्ण भस्म पे, सुवर्ण पे, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया होगा कि ये सेफ्टी प्रोफाइल है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, उसका हायर डोज में भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है। इवन जामनगर में भी 3 या 4 फार्माकोलॉजिकल स्टडी हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन भी हुआ है, फिर भी वो आईसी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर हमको आईसी के रिपोर्ट के मुताबिक, उनके सजेशन के मुताबिक अनइक्वल मात्रा में करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर लोकेश का सजेशन बहुत ही अच्छा है कि हमको यदि आयुर्वेद प्रिंसिपल सिद्धांत रखना है तो इक्वल मात्रा में रखना है। फिर इक्वल में वो क्वांटिटी लेना है, एज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ले, वॉल्यूम टू वॉल्यूम लेना है, वेट टू वेट लेना है, वो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी आते रहते हैं। तो ये सब बातें सोच के फिर हमको लेना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर कामत का था उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सब हम आयुर्वेद वाले हैं इसलिए एक बहुत अच्छी बात मैं बता देती हूँ कि सुवर्ण प्राशन मधु ग्रुप से लेते हैं और मधु ग्रुप देते हैं उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपेरेटिव स्टडी में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्राइटेरिया में बहुत ही डिफरेंस मिलता है, वास्ट डिफरेंस मिलता है। इसलिए यदि जब हम मॉडर्न पैरामीटर में जाते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर में हम पीछे रह जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर ज्यादा मानते हैं। तो इसीलिए वो स्टडी हमको ये इक्वल मात्रा में करना चाहिए। और थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस व्यूज मैम। एक डॉक्टर रोहित चवन है, ये जानना चाह रहे हैं कि कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हेन टू स्टॉप द स्वर्ण प्राशन? कोई मतलब स्टार्ट तो कर लेते हैं अपन, मतलब उसको किस लिमिट तक या किस एज ग्रुप तक जो है वो लेना है, या मतलब एज ग्रुप चाहिए कि ड्यूरेशन चाहिए? ड्यूरेशन ही पूछ रहे हैं शायद मैम ये। ड्यूरेशन तो क्लियर कट रेफरेंस में बताया हुआ है, मासक परम मेधावी सर्वी मासलेनर सुनते गुरु पूरा रेफरेंस में। और मॉडर्न साइंस में तो हायर डोज में अभी डॉक्टर निशा ने बताया 8 वीक्स तक उसका प्रैक्टिकल किया हुआ है क्लिनिकल स्टडी के, लेकिन कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ओके थैंक यू मैम। I think there were many questions and you have answered them very beautifully, and all of them might have benefited from it. Thank you, ma'am. Thank you for your time. Now I would like to request Dr. Geeta ma'am to proceed further. Geeta ma'am. Hello, Dr. Ritesh, आप सुन रहे हैं? Yes, ma'am. आई थिंक अब क्वेश्चन आवर अपने को थोड़ा स्टॉप कर देना चाहिए मैडम लोगों का थोड़ा सा। हमारे विभाग वेद प्रकाश व्यास सर का भी हम व्यू जानना चाहते हैं।
लोग अभी प्रेजेंट हैं, मैंने रैंकिंग की मैडम को काम है, बिजी है, उन्होंने बोला था जाना चाहती है, तो इस पर जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं और स्वर्ण प्राशन कब से प्रारंभ करें, कब उसको स्टॉप करना चाहिए, अब व्यास सर का भी जानना चाहते हैं सर की। श्रद्धेय कल्पना मैडम को प्रणाम करता हूँ, मेरी टीचर भी रही हैं आप, हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। डॉक्टर निशा भी मेरी छोटी बहन की तरह हैं और उनके मिस्टर भी मेरे विद्यार्थी रहे हैं सत्येंद्र जी। निशा मैडम के साथ भी कई बार ऐसा कार्य करने का अवसर मिला है, दोनों ने बहुत ही सारगर्भित अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हम अपेक्षा कर रहे थे उससे कहीं और स्पर्श किया। आवाज आ रही? हाँ, आप बोलिए सर, अब आ रही है। ओके, बोलिए। मैडम ने बहुत ही सरल ढंग से कब, क्यों, कैसे, कहाँ लेहन योग्य, लेहन के अयोग्य और लेहन के लिए जो योग हमारे शास्त्र में बताए हैं, इन सब बातों को हाईलाइट करते हुए IIPGTRA में जो भी रिसर्च के कार्य हुए हैं उन सबको हाईलाइट किया। MD और PhD कितनी सारी थीसिस मैडम के अंडर में हुई हैं और ये आज हमारे सब आ रहे हैं स्वर्ण प्राशन पे। अभी तक ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ण प्राशन पे विशेष कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन आज के इस वेबिनार से ये चीजें सबके सामने आई। कितनी सारी MD थीसिस, PhD थीसिस, एक दो थीसिस में तो मैं भी मैडम के साथ में एग्जामिनर के रूप में रहा हूं और मैं उस बात का गवाह हूं कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इधर मैडम के व्याख्यान में जो उन्होंने कंक्लूड किया उसके हिसाब से बहुत ही व्यावहारिक बातें उन्होंने सामने रखी और इन बातों का मैं भी हमेशा पक्षधर रहा हूं कि जो लेहन के अयोग्य शिशु हैं उनको हम स्वर्ण प्राशन ना कराएं। हमारे यहाँ भी हम पूरे प्रदेश में स्वर्ण प्राशन चल रहा है और सब जगह पुष्य नक्षत्र की बात होती है, लेकिन अभी डॉक्टर निशा जी ने भी जो बात कही उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि स्वर्ण प्राशन एक माह के पहले देने का कोई विशेष वैज्ञानिक अर्थ नहीं है, शास्त्रोक्त अर्थ भी नहीं है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो उचित नहीं है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो शायद मेरी बात किसी को अच्छी भी न लगे, लेकिन इम्यूनाइजेशन की तरह हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि एक दिन पोलियो का ड्रॉप दे दिया या एक दिन हमने कोई वैक्सीन लगा दिया उसके बाद में हमेशा के लिए इम्यूनाइज हो गए, ये इस तरह से कंपेयर करना ठीक नहीं है। हमारी एक अपनी पद्धति है और उस पद्धति से ही वो स्वर्ण का असर होगा, इसीलिए तो शास्त्र में इतना विवरण दिया हमारे आचार्यों ने कि 6 महीने तक देना है या 1 माह तक देना है। इवन वाग्भट जी की बात अभी यहाँ चर्चा में नहीं आ पाई है, अष्टांग संग्रह में तो उन्होंने मधु घृत और वचा के साथ में स्वर्ण भस्म को देने के लिए पूरा एक संवत्सर के लिए रिकमेंड किया है और अष्टांग हृदयकार ने भी उसको पूरा 1 वर्ष के लिए रिकमेंड किया है। तो उस समय की पद्धति थी, उस समय चूंकि ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी तो शिशु के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए उसकी इम्यूनिटी अच्छी बनाए रखने के लिए वर्ष भर उसको स्वर्ण प्राशन किया जाता था। तो मेरे ख्याल से अच्छी परंपरा यही होगी कि कम से कम हम 1 माह तक के लिए तो प्रयास करें, क्योंकि ये बातें अक्सर होती हैं कि भाई इतनी महंगी होती है स्वर्ण भस्म में या स्वर्ण प्राशन कराया जाना कॉस्टली होता है, हर आम आदमी के लिए बस के काम बस का नहीं है। इसलिए हमारे महाविद्यालय में भी जब स्वर्ण प्राशन शुरू किया डॉक्टर गीता ने बहुत अच्छे से उसको कंडक्ट किया है और प्रिंसिपल सर की भी इच्छा रही कि स्वर्ण प्राशन हम करें लेकिन सिलेक्टेड लोगों के लिए करें, क्योंकि आम जनता जिसके लिए रोटी नहीं है
ऐसे गरीब बच्चे या गरीब तबके के लोग अगर हमारे पास में धन की व्यवस्था है तब तो नो डाउट हम सबको स्वर्ण प्राशन करेंगे, लेकिन जो उसका फॉलोअप नहीं कर सकता है, जो खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, पत्ते पालन नहीं करा सकता है, उसको हम स्वर्ण प्राशन देके क्या आके शो करना चाहते हैं? तो केवल प्रचारित करने के लिए स्वर्ण प्राशन करना या केवल पुष्य नक्षत्र में ही स्वर्ण प्राशन करना, मेरे व्यक्तिगत विचार से वो अच्छा नहीं है। हालांकि अगर कोई ऐसी स्टडी कहीं चल रही है तो मैं उसका जरूर स्वागत करूंगा कि पुष्य नक्षत्र का विशेष रूप से और क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की जो बात आई है वो स्वर्ण के क्रय विक्रय के माध्यम से आई है। पुष्य नक्षत्र में जब कोई स्वर्ण क्रय करता है तो घर में एक मंगल और मतलब पुण्यकारक एक योग बनता है, इसलिए स्वर्ण को क्रय करने की दृष्टि से पुण्य का इसका पुष्य का वो हुआ था। लेकिन शास्त्र में कहीं भी आज भी इस चर्चा में ये बात कहीं सामने नहीं आई कि पुष्य नक्षत्र की हमारे किसी संहिता में वर्णन है, लेकिन अगर किसी ने रिकमेंड किया है तो मैं समझता हूँ निशा मैडम ने बहुत अच्छा अपने साइंटिफिक ढंग से उसमें जो रिसर्चेज हुई हैं उन सबको उन्होंने कंक्लूड किया। उसमें से दो तीन बातें मैं खासतौर से कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म के लिए प्रिवेंशन के पर्पज से बात कही, या जो टॉक्सिसिटी के पर्पज से जो उन्होंने बातें हाईलाइट की हैं यहाँ पे ब्लड कॉम्पेटेबिलिटी, या जो सेफ्टी के लिए बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए, उन सब की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वर्ण प्राशन जन्म के समय भी कराना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है, हमारे यहाँ भी डिलीवरीज होती हैं नवजात शिशु के लिए, जो प्रोटोकॉल्स यूनिसेफ ने डिसाइड कर दिए हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हम लोगों को दिए गए हैं उसके तहत तो वो पूरी तरह से मना करते हैं। इवन मधु प्राशन हमारे लिए हम अपने रिस्क पे कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वर्ण प्राशन कराना बड़ा कठिन कार्य है, जबकि नवजात के लिए अभी निशा मैडम ने कहा बहुत सही, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि नवजात अवस्था से ही स्वर्ण प्राशन कराया जाना चाहिए, तभी तो उसका एक माह में जो इफेक्ट होगा वो हम देख पाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र में संभव है कि उस विशेष मुहूर्त से कुछ विशेष लाभ हो, लेकिन जब तक हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं है हम उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और रुग्ण अवस्था में स्वर्ण प्राशन रोक देना चाहिए, अभी जो डिस्कशन में बात सामने आई, या मधु और घृत विषम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये शास्त्रोक्त बातें हैं और अक्षरशः सत्य हैं, लेकिन इनको क्लिनिकल एविडेंस की थोड़ी सी आवश्यकता है। अभी जो हमारे प्रदेश में स्वर्ण प्राशन चल रहा है, हमारे माननीय आयुक्त महोदय ने जो इच्छा व्यक्त की, सचिव महोदय ने, उन्होंने भी कोविड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, उनको प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुपोषण की उन्होंने बात कही, तो ऐसे बच्चों के लिए प्रॉब्लम बस केवल वही आती है कि जहाँ निर्धनता है, मैं तो कई बार हंसी मजाक में भी ये बात करता हूँ कि जो चार रोगी के गुण कहे गए हैं हमारे शास्त्र में, आद्य रोगी विषक वश्यो व्यापक सत्ववान अपि, तो वो चारों ही हमारे कुमार वृत्ति की दृष्टि से बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो आढ़ नहीं है, गरीब रोगी है तो उसको आप दवाई कहाँ से देंगे, विषक वश्यो नहीं है, अपने अपने हिसाब से वो अपथ्य सेवन करता है, और व्यापक नहीं है, अपनी बात कह नहीं पा रहा है, और सत्ववान भी नहीं है, अवर सत्व वाला शिशु है, इसलिए शायद हमको बाल रोग के जो बाल रोगी हैं उनमें चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो इन बातों के मद्देनजर हम क्या अच्छा कर सकते हैं, आज के हम कंक्लूड करना चाहेंगे। हमारे प्रिंसिपल सर ने वेलकम किया और सर की इच्छा शक्ति से आज ये जो वेबिनार हुआ है उसमें हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो गीता मैडम ने और डॉक्टर रितेश जी ने जो तकनीकी सहयोग किया है उसके लिए विशेष रूप से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गीता मैडम ने बढ़िया अच्छे से उसको मैनेज किया, उसकी तैयारी की, और साथ में हमारे जो भी प्राचार्यगण हैं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, उनका भी हमको सहयोग मिल रहा है, हमारे महाविद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पहला अवसर था, टेक्निकली हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि कहीं वेबिनार में कहो, लेकिन बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम संचालित हुआ, जैसा हमारे माननीय मंत्री महोदय और माननीय सचिव महोदय की अपेक्षा थी उसके अनुसार निर्बाध रूप से निर्विघ्न ये संपादित हुआ।
किसी कारण से मंत्री महोदय व्यस्त रहे इसलिए वे हमें आशीर्वाद नहीं दे पाए, लेकिन उनका शुभकामना संदेश हमें प्राप्त हो गया है। सचिव महोदय से हम लोग रूबरू हो चुके हैं और इसको इस विचार मंथन के बाद में हम इसका जो कंक्लूजन है वो भी हमारे मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैडम कल्पना मैडम और निशा मैडम दोनों ही उस राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के उसमें सेमिनार में शामिल थे जिसमें प्रोटोकॉल के लिए काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई। एक सेमिनार जोधपुर में भी हुआ था, हमारे सीनियर डॉक्टर पीपी जासकर ने आयोजित कराया था, वहाँ भी ये बातें उठी थी और मैंने अभिमन्यु सर से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ ना कुछ ऐसी एक गाइडलाइन तय होना चाहिए, कोई भी किसी भी ढंग से कहीं भी स्वर्ण प्राशन शुरू कर रहा है ये उचित नहीं। आयुष मंत्रालय भारत शासन के सचिव महोदय, मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर कुटेजा सर मेरे सीनियर और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैंने उनसे भी कई बार ये बातें कही कि ये आयुर्वेद को कहीं बदनामी ना मिले या उसकी बातों को सबस्टैंडर्ड रूप से लोग आंके नहीं, क्योंकि एक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जिस ढंग से किसी भी बात पर टिप्पणी करता है तो हम लोगों को बड़ा मतलब खराब भी लगता है, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको हमें वास्तव में आत्मावलोकन की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई स्वर्ण को पत्थर पर घिस के हमको शिशु को चटाना, क्योंकि विज्ञान हमारे सामने हमसे प्रश्न पूछने के लिए तैयार है। तो मैडम ने जो कहा कि कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं है, कोई हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं है, इस बात को हम प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर सकें इस दिशा में अभी जो भी कार्य हो रहे हैं बहुत ही अभिनंदनीय है, और भी अच्छे से अच्छा कार्य हो और एक प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी हो, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है, और उसके माध्यम से ही स्वर्ण प्राशन हो। कोई भी चिकित्सक स्वर्ण प्राशन करे इस बात के लिए मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जिसको मतलब ज्ञान नहीं है या किस शिशु को देना है किसको नहीं देना है ये डिसाइड भी होना चाहिए। कोई भी बच्चा आया और हम उसको स्वर्ण प्राशन करा देंगे, क्योंकि हर माता पिता, जैसे डॉक्टर गीता ने शुरुआत में ये बात कही थी कि आजकल इतनी जागरूकता है, पेरेंट्स अपने बच्चे के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर ये तो चिकित्सक का फर्ज है कि वो उस क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ, ये सब के लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक बार कल्पना मैडम और निशा मैडम के लिए फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और हमारे प्रशासन और प्राचार्य महोदय सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने एक इतना अच्छा अवसर बाल रोग विषय पर इस सेमिनार के लिए रखा। बाकी मेरे सभी साथियों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।